नर श्रीवासादी गौर भक्त वृंद सभात करो बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे मंजूर करो हरे मेरे गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजथ प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे कृष्ण ने इंद्र पूजा को उन्होंने बंद करवा दिया। बोले अगर अब पूजा करना तो सिर्फ गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो, क्योंकि गिरिराज की कृपा से ही हमारी ब्रजवास हो रहा है। जब तक ये गिरिराज की कृपा नहीं होगी तब तक कृष्ण सेवा को कोई भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने इंद्र पूजा बंद करा के भगवान ने श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करवाई। गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे इंद्र को जब ब्राह क्रोध आया उसने क्या किया, 7 दिन तक ब्रज में शिला वृष्टि वज्रपात हाथी के सूंड के जैसे मोटे धार से बारिश हुआ और भगवान कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने कनिष्ठ अंगुल में श्री गिरिराज गोवर्धन उठा लिए। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। उन्होंने गिरिराज उठा दिए, इसलिए सारे ब्रजवासी गिरिराज के तलेट में 7 दिन तक उन्होंने अपना समय को बिताए हैं और बड़े आनंद लिया है। इसलिए हमारे टीकाकार लोग कहते हैं भगवान कृष्ण ये गिरिराज की पूजा क्यों प्रवर्तन करवाया, ये गिरिराज को उन्होंने इतने महिमा क्यों बढ़ाए, क्या कारण है। तो इसको पीछे 4 कारण बताए। आज ये 4 कारणों को हम सुनेंगे। पहला कारण है कृष्ण कहते हैं अगर पूजा करना ना भैया झोली फैलाओ तो गिरिराज को पास में झोली फैलाओ, वही तुम्हारी झोली को भर देगी है, वही तुम्हारी झोली भरेगी। क्योंकि जगत में तो 33 करोड़ देवता, कितने को पूजा करो, एक को पूजा करो दूसरे दिन मुंह खुला कर बैठ जाएगा, दूसरे को पूजा कर देखना तीसरे और मुंह खुला कर, और इसी जगत में आप इसको खुश भी नहीं कर सकते। इसको खुश कर सकते हो, किसी को भी खुश नहीं कर सकते। देखे एक समय शंकर पार्वती जा रहे थे और उनका वाहन कौन है, शंकर जी की नंदी। लेकिन जब एक गाँव में पहुंचे ना बस गाँव वाले तो टोंटी करना शुरू कर दिया। बोले देखो ये बूढ़ा बुढ़ियों का कोई निर्लज है, कोई शर्म नहीं, एक बूढ़े बैल गोबर दोनों मस्ती मस्तानी जैसे बैल गोबर जा रहे हैं। जब वो गांव पास हो गया ना शंकर जी ने बोले पार्वती तुमने सुन लिया क्या बोल रहे थे हैं, मस्ती मस्त और मस्तानी बन करके एक बूढ़े बैल गोबर चलते, चलो हम बैल गोबर चलेंगे नहीं हम चल करके जाएंगे। दूसरी गाँव आया, दूसरी गाँव में लोगों ने बोले देखो जगत में ऐसे कोई बेवकूफ होगा, पास में वाहन रहते हुए हैं, पास में वाहन है तभी चलते हुए जा रहे हैं, ऐसे कोई जगत में बेवकूफ होगा क्या। बोले देखो तब भी बात ताना मारते हैं। थोड़ी दूर गए तो बोले एक काम करो, एक बैल के ऊपर बैठे और एक चलते हुए चले। इतने में शंकर जी ने क्या की, बोले मैं बैठ जाता हूँ। पार्वती स्त्री जाती है, स्त्री हर समय पति को सम्मान देती है, बोले आप भी बैठो मैं चलते चलते चलती हूँ। जब चौथा गांव आया ना लोग फिर ताना मारे, बोले देखो ये बूढ़े को शर्म नहीं है, ये अकेले बैठ करके बैल में जा रहे हैं और डोकर को पीछे पीछे भगा के ले जा रहे हैं, इसको शर्म करो कुछ है ही नहीं। शंकर जी बोले देखा पार्वती ये तो कोई छोड़ नहीं रहे। बोले पार्वती तू बैठ जा मैं चल करके जाता हूँ। अभी छठवां गाँव आया, अरे फिर ताना मारना शुरू कर दिया। बोले ये कलयुग हो गया, देखो कैसे मस्तानी बन करके हैं,
बैल लोग ऊपर जा रहे हैं और बुड्ढे को पीछे पीछे भगा के ले जा रहे हैं। इसलिए शंकर का सर पकड़ कर बैठ गए, बोले हे भगवान, जगत में आप किसको खुश भी नहीं कर सकते, आप कुछ भी क्यों नहीं कर, देखना सबके सब ताना मारते रहेंगे, इसलिए इसी जगत में आप किसको प्रसन्न नहीं कर सकते हो। लेकिन कृष्ण ने क्या शिक्षा दिया, बनवास एक एक व्यक्ति को प्रसन्न कर दो, श्री बांके दिया है। अगर कृष्ण प्रसन्न हो गए ना, 33 करोड़ देवता अपने आप तुम्हारे पर खुश हो जाएंगे, तुम्हें किसी को खुश करने का जरूरत नहीं। इसलिए कृष्ण ने क्या किया, इंद्र पूजा बंद करवाया। इंद्र कौन है, स्वर्ग के राजा, सारे देवताओं का राजा, इसलिए उनकी पूजा तक उन्होंने बंद करवाया। बोलो भैया झोली फैलाना है और पूजा करना है, किसकी पूजा करो, श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो। बोले श्री गिरिराज महाराज की। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं हमें एकनिष्ठ भक्ति होनी चाहिए, बहुनिष्ठ भक्ति हमें नहीं करनी चाहिए, पहला कारण है। तो दूसरा कारण क्या है, अभी कृष्ण के मन में इच्छा है कि जितने ब्रजवासी और कोई नहीं है, बोले आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी, कृष्ण ही अभिन्न रूप में राधा रानी रूप में प्रकट हुई, राधा रानी ने ही एक एक भाव एक एक गोपी रूप में प्रकाशित की कृष्ण सेवा के लिए, जितने सखा है ना श्री कृष्ण और बलदेव प्रभु से प्रकट हुए सबके सब, ये और कोई नहीं, नंद बाबा मैया जसोदा कोई नहीं, ये सबके सब एक ही वस्तु विभिन्न रूप में ये प्रकाश हुए। कृष्ण की इच्छा है, हम चाहते हैं 7 दिन तक हम एकत्रित होकर के आनंद ले कीर्तन करें, लेकिन होगा कैसे, कृष्ण सोचा जब इंद्र पूजा बंद करवाएंगे, इंद्र क्रोधित होकर बारिश बरसाएगा, फिर मैं गिरिराज उठा लूंगा और सारे ब्रजवासी इसका नीचे आ जाएंगे, फिर तो 7 दिन तक इनको साथ में हम आनंद लेंगे। कहते ये एक कारण है, कितना कारण हो गया, बोलो कितना, 2 हो गया। बोले तीसरा कारण क्या, कृष्ण गिरिराज उदाहरण किया, बोले तीसरा कारण है अभी इंद्र का मन में अभिमान, क्या अभिमान, कहती जितने ब्रजवासी है ये सबके सब मेरे नौकर चाकर है, मैं इनके राजा हूँ, क्योंकि अगर मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा फिर खेती नहीं होगा, हैं घास नहीं होगा, गैया घास नहीं खाएंगे तो दूध कहाँ से देंगे, अब दूध तो इनका धन ही है, गो धन ही इनका ही, सबके सब मर जाएंगे, इसलिए इसके मन में अभिमान है, मैं स्वर्ग का राजा हूँ, ये मेरी प्रजा है। कृष्ण बोले तुम राजा और सब प्रजा हो गए, अभी तेरे को मजा चखा था, हैं इसलिए कृष्ण ने क्या किया, हैं बोले नंद बाबा को जो बोले, ये नंद बाबा जो बोले इंद्र भारी से बरसाता है, कृष्ण बोले पिताजी ये जो ब्रज रज है ना, ये ब्रज एक रज में इतने शक्ति है कितने दिन इंद्र को प्रकट कर देगा, यहाँ के जो वृक्ष लता पताव में इतने शक्ति है कितने स्वर्ग को ये प्रकट कर सकते हैं, हैं? लेकिन ये इसलिए ब्रह्मा कहते हैं चिंतामणि प्रकर सत्म सुकल्प वृक्ष लख्या भृत सुरभि रभि पालयंतम लक्ष्मी सहस्र सत संभ्रम से प्रमाणम गोविंदं मादि पुरुषम तमहं भजा। ब्रह्मा कहते हैं ब्रज के जो धूल नहीं वो चिंतामणि, सारे चिंताओं को दूर करने वाले, सारे चिंताओं को पूरी करने वाले, वृक्ष क्या है, कल्प वृक्ष है, यह पानी नहीं यह अमृत है, चलना नहीं सब नाचना है, हैं? ये ब्रज कोई साधारण भूमि नहीं। और इंद्र क्या सोच रहा है, स्वर्ग का राजा मैं हूँ और ये मेरे सबके सब प्रजा है, ब्रज के जो सखा है ना सखियां हैं कितने कितने इंद्र प्रकट कर सकते हैं, लेकिन ब्रज में क्या है, माधुर्य है, माधुर्य वहाँ छुपा हुआ है, हैं? माधुर्य यहाँ क्या, तो ऐश्वर्य छुपा हुआ माधुर्य यहाँ प्रकाश है, इसलिए बोले देखो अब ये इंद्र के अभिमान को चकनाचूर करनी चाहिए। उन्होंने क्या किया, इंद्र पूजा उन्होंने बंद करवा दिया, इंद्र को जो पता चला हे भगवान तेरे मेरे प्रभु, अरे आ करके प्रभु के चरण में नाक लग रहे हैं, माफी मांगे हैं। कहते इतना 14 जो कारण बताए हैं ठाकुर जी, 14 जो कारण बताए हैं, कृष्ण का जो सर्वतम लीला ये रासलीला है, ठाकुर चाहते रासलीला करें, लेकिन अकेले तो कृष्ण रास कर ही नहीं सकते हैं, जब तक ब्रज गोपियों को साथ नहीं हो तब तक कृष्ण रास नहीं कर सकते हैं, इसलिए कृष्ण ने तो कहा भैया रासलीला कैसे होगा, एक उदाहरण देकर समझा है।
आप लोग सब फिल्म देखते होंगे, देखेंगे नहीं फिल्म हो, सब देखा हो फिल्म, फिल्म कौन कौन देखे, आप देखना जब एक हीरो जब किसी हीरोइन को आकर्षण करना चाहता है, वो हीरो कुछ लोगों को इकट्ठा करता है, वो हीरोइन को सामने उसको पास में खूब मारपीट करेगा, मारपीट करके सब भगा देगा, वो जो हीरोइन होगा ना बोले बाबा रे बड़ा ताकतवान है, ये तो बड़ा बलवान है, फिर वो अपने आप उसको प्रति आकृष्ट हो जाती है, कहते ब्रज का हीरो कौन है, कृष्णा, ये असली हीरो है, हैं? ये असली हीरो है, इसलिए देखा अभी ये ब्रज गोपियों का भगत रास नहीं होगा, इसलिए इनको सामने कुछ मेरे को बहादुर दिखाना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने दो बहादुर दिखाए, पहला बहादुर को दिखाया उन्होंने कालियों को सर के ऊपर नृत्य किया, हैं? कृष्ण दिखाया देखो कोई रस्सी के ऊपर नाचता होगा देखे होंगे, कोई गिलासिया के ऊपर नाचता है, कोई सर पर कलसी लेकर के नाचता है, कोई प्रदीप लेकर नाचता है, कभी देखे हो सांप के सर के ऊपर किसको नृत्य करते हुए देखे हो, इसलिए मैं सबसे बड़ा नृत्यकार हूँ जो सांप के सर के ऊपर नाचने वाले, और हमारे थोड़े दिन बाद में हमारे प्रभु जी गौर सुंदर प्रभु कथा सुनाएंगे, कृष्ण कैसे कालियों के सर के ऊपर में प्रभु कैसे नृत्य किया है, बोले श्री कालिया रथ है भगवान की, इसलिए ये एक लीला की, और दूसरा लीला की कृष्ण श्री गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने उठा लिए, गोवर्धन गए हो, कौन कौन गिरिराज गए, कितना बड़ा गोवर्धन है, बहुत बड़ा है ना, हाँ, इसलिए कृष्ण ने क्या किया कनिष्ठ अंग को पर उठा लिया, देखो हम जिसको तिसको भगवान की अमुक भगवान अमुक भगवान, भगवान भगवान कोई नहीं, साई भगवान अमुक भगवान कई कोई ये सब भगवान भगवान नहीं, भगवान तो हमारे भगवान राम है, भगवान कृष्ण नारायण है हमारे भगवान, कोई दूसरा कोई भगवान भगवान नहीं, हम बेवकूफ है ना मूर्ख, भगवान का डेफिनेशन हम नहीं जानते, भगवान कहते किसको, कृष्ण ने इतना बड़ा गिरिराज उठाया, अभी जो भगवान कहते हैं उनको ऊपर में इतना बड़ा पहाड़ की बात छोड़ दो, एक क्विंटल एक पत्थर ला के सर पर रख लो कितना भगवान सब निकल जाएगा, कृष्ण कालिया नाम को सर पर नृत्य किया, पानी उबलता था भगवान उसको पर तैरे हैं, इतने जहरीले, अभी जो भगवान कहे तो उनका मुंह में थोड़ा आग थोड़ी सी जहर देकर देखो, भगवान ने क्या किया ठाकुर ने, भगवान दवान लोग को पान कर लिया है ना, उन्होंने अग्नि को पान किया, और जो भगवान कहे तो मुंह में थोड़ा आग लगा कर देखा सब भगवान निकल जाएगा, हमें भगवान किसे कहते हैं ना हमें पता नहीं, शास्त्र ग्रंथ से तो कोई हमारे कोई मतलब नहीं शास्त्र ग्रंथ में है, इसलिए हम जिसको तिसको भगवान 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 कह लेते हैं, भगवान आप लोग रामायण देखे हो, कौन रामायण दिखा दो डाको देखे हो, भगवान जब राम गए आप देखे कैसे गए, सरजू नदी में पूरा अयोध्या स्नान कर रहे देखा कि नहीं, दूसरे तरफ में चतुर्भुज रूप में प्रकट हो रहे, तीसरे रूप में वैकुंठ से रथ आ रहा है, सबके सब पूरा अयोध्या वासियों को प्रभु राम लेकर के अपना संकेत हो गए पूरा अयोध्या वासियों को, इसलिए अयोध्या के धाम है कि नहीं, अयोध्या गए हो, कौन कौन अयोध्या गए, नहीं गए, वृंदावन गए है ना, वृंदावन भगवान कहाँ कृष्ण गिरिराज उठाए, कहाँ पर रास रचाए, कहाँ पर गैया चराई, सब लीला स्थली है कि नहीं ठाकुर जी का, है कि नहीं ठाकुर जी का, इसलिए भगवान कृष्ण जब गए ना वो अकेले नहीं गए, पूरा ब्रजवासियों को लेकर साथ में गए, इसलिए ठाकुर जी धाम समेत आते हैं और धाम समेत जाते हैं, और एक तीसरी चीज को समझो, भगवान कोई बूढ़े नहीं होते, ये चीज को समझ लो, भगवान कोई बूढ़े नहीं होते, उनका दाढ़ी नहीं होता, उनको गोप नहीं, उनको मोच नहीं होता है, भगवान राम 11,000 साल तक जगत में रहे, कितना साल रहे भगवान राम का कभी रूप देखा बूढ़े, कभी बूढ़े रूप देखा, कभी उनका दाढ़ी देखा, कभी उनको मोच देखे, कृष्ण का कभी दाढ़ी देखे और मोच देखे नहीं, कृष्ण 125 साल तक थे, इसलिए शास्त्र में बताया जो भगवान होते हैं ना कहते 14.5 साल से कभी उनको उम्र ज्यादा नहीं होता, 14.5 साल से जैसे राधा रानी है सीता है लक्ष्मी इनके उम्र कितना है, बोले इनकी उम्र 13.5 साल से इनकी उम्र कभी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि लक्ष्मी है ना, इसलिए आप देखना कृष्ण का सखाओं को देखना गोपियों को देखना कितनी उम्र है, कोई 11 साल की कोई 12 साल की कोई 13 साल की, 13.5 साल से ऊपर तक इसको उम्र नहीं होती,
ये भक्ति सब गोपियां सखा 11-12-13 इससे ऊपर इसको उम्र होती नहीं, इसलिए भगवान नबक स्वर नटवर, इसलिए कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने गिरिराज गोवर्धन उठाया कौन सा अंगुल पर, इसलिए कभी कभी हम कहते ना यार ये मेरे लिए कौन सा बड़ी बारी बात, हम तो ये काम को उल्टा हाथ में कर सकते, बोले उल्टा हाथ में नहीं सबसे छोटे अंगुल पर उठाया, बोले छोटे अंगुल नहीं बोले नाक को मेरे गिरिराज उठा लिया है, इतने बड़े पार्वत जिसको केवल परिक्रमा करने के लिए 8 घंटा लगता है परिक्रमा करने के लिए, इतने बड़े गिरिराज को ठाकुर ने अंगुल को ऊपर उठा दिया, इंद्र जिनके चरण में आकर नाक रगड़ते, ब्रह्मा जिनके चरण पर नाक, ये भगवान है ठीक है ना, आप लोग भी इधर उधर चक्कर में मत पड़ा करना है, ये भगवान अमुक भगवान, क्योंकि ये दुर्लभ जीवन प्रभु ने दिया, अगर ये जीवन को भगवान के चरण में देंगे तो ठाकुर की चरण में देंगे तभी तो जीवन में मुक्ति, और हेरे गेरे व्यक्ति को अगर चरण में तो मान दे दिया क्या हुआ, मानव जन्म थोड़ा बेकार चला गया, मिट्टी में मिल गया तुम्हारी जीवन, किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि जिसको तिसको तुमने और क्या किया, कुछ लोगों ने टीवी में ना हाई फाई करके दिखा दिया, अमो कर दिया अमो कर दिया अमो कर दिया हाई फाई करके दिखा दिया, इसलिए ये सब गंदी चीज है, इसलिए हमारे भगवान कौन है, श्री कृष्ण है, लड्डू गोपाल है, यही हमारी भगवान है, तुम्हारी मैया जिसको पूजा करती थी उसकी मैया, जिसको पूजा करती थी उसकी मैया, घर में हमारे माताएं पिताओं ने जिनको पूजा करता था इन्हीं को ही पूजा करो, नया भगवान को ढूंढने का कोई जरूरत नहीं ठीक है, बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की, बोले श्री नंद के लाला की, इसलिए भगवान ने बड़ी सुंदर सुंदर लीला की, एक दिन कृष्ण जब उन्होंने श्री वृंदावन धाम में कृष्ण आए, मल मन चरले वृंदावन धाम श्री कृष्ण राधे राधे गाएंगे, लाला ये बरगद वृक्ष है, बोले मैया मैया ये कौन सा चिड़िया है बड़ी सुंदर आवाज से गा रही है कोहू कोहू, बोले मैया ये कौन सा चिड़िया, बोले लाला इसका नाम कोयल है, बोले मैया मैया देख ये सारे पत्ता हिल रहे हैं पेड़ की, बोले मैया ये कौन सा पेड़ है,
बोले लाला ये पीपल पेड़ है। बोले भैया 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 देख, बोले क्या है, देखो कितना सुंदर जानवर है, जिनकी शरीर में बड़ी सुंदर कारीगरी है, हैं, जिनकी शरीर में बड़ी सुंदर कारीगर है। बोले मैया ये कौन सा जानवर है, बोले लाला ये इसका नाम हिरण है। बोले मैया एक का तो सींग है और एक का सींग नहीं, बोले मैया ये क्या है, बोले मैया जिसका सींग है ना लाला ये तो पुरुष है और जिसका सींग नहीं ये स्त्री है। बोले मैया ये बता एक दूसरों को क्या अलग है, बोले जो बिना सींग वाली है ना, जो सींग वाला किसकी बहू लगती है। और थोड़ी दूर गए, बोले मैया मैया देख देख कितने सुंदर चिड़िया है जिनकी शरीर में बड़ी सुंदर कारीगरी है। बोले भैया ये कौन सा चिड़िया है, बोलो तो कौन सा चिड़िया होगा, अरे बोलो जोर से कौन सा चिड़िया जिसके शरीर में बड़ी सुंदर चित्रकारी रहता है। हाँ मोर है। बोले मैया ये कौन सा मोर है, बोले मैया एक का तो पूछ एक का पूछ नहीं, बोले भैया ये क्या है, बोले जो पूछ वाला है ना ये पुरुष है और जो बिना पूछ के कहती ये इसकी स्त्री है, ये स्त्री है। बोले भैया एक दूसरों को क्या लगे, बोले जो बिना पूछ वाली ये पूछ वाले की बहू लगती है। बोले भैया सबकी बहू मेरी बहू का है, इसलिए भैया मेरे लिए भी एक बहू ले आ। बोले बेटा कोई चिंता मत कर, वृंदावन चल, वृंदावन चलो, बोले तेरे लिए भी एक बहू ला दूंगी। कृष्ण तो मचल गए, बोले नहीं यही वही चाहिए तभी मैं जाऊंगा, नहीं तो जाऊंगा नहीं, अब भी मेरे को बहू ला दे, सबका बहू मेरी बहू नहीं। इतने में जितने बड़ी बड़ी गोपियां थी ना सब घूंघट उघाड़ करके बैठ गए वहां पर गोल गए। बोले तू छांट ले इसके अंदर में जिसको पसंद है। कृष्ण ने एक बोल बोले ये मेरी बहू, ठीक है ये तेरी बहू अभी चल। फिर कृष्ण खुश होकर कहाँ पर आए, सिर्फ वृंदावन में आए। बोले कहाँ रुके, बोले छठी ग्राम। बोले सकटम अर्ध चंद्रवत, उन्हें सकट को आधा चंद्र जैसे करके जब वृंदावन में आए, कहते ये वृंदावन कैसे हैं, बोले सर्प काल सुखावह, मतलब है सर्प काल सुखावह, इसका मतलब जहाँ कभी ठंडी भी नहीं, जहाँ पर कभी गर्मी नहीं, इधर इधर आ जाओ, ये एक कोने में आ जाओ, कहते जहाँ पर ठंडी भी नहीं, कहते जहाँ पर गर्मी नहीं, जहाँ पर कोई बुरा नहीं होते, जहाँ पर कहीं बूढ़ी नहीं होते, जहाँ पर जन्म नहीं मृत्यु नहीं रोग शोक, जहाँ पर कुछ कोई किसी तरह का जहाँ कोई कष्ट नहीं, जहाँ पर आनंद ही आनंद है, कहाँ पर, बोले भगवान की धाम में असली जो। लेकिन ये जो वृंदावन गए ना वृंदावन में, लेकिन ये जो असली वृंदावन है ना हमारी इन्हीं आँखों से हम असली वृंदावन को देख नहीं सकते। क्यों, हमारी आँखों में काम क्रोध लोभ मोह है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं बोले कब देख सकते हैं, बोले प्रेमांजन छोरी तब भक्ति विलोचना, जब हम इन्हीं आँखों में कृष्ण प्रेम रूपी काजल को लगाएंगे फिर तो वृंदावन में दिव्य वृंदावन को दर्शन करेंगे, जहाँ जन्म मृत्यु दुख कष्ट जरा व्याधि, जहाँ पर आनंद आनंदमय। इसलिए भगवान जब वृंदावन में आए ना कहते ठाकुर जी इतने प्रसन्न हुए वृंदावन धाम में। बोले क्यों, ठाकुर जी रहते हैं कहाँ पर, बोले ठाकुर जी नित्य वृंदावन में ही ठाकुर जी का निवास है। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए। ठाकुर जी जब थोड़ी सी बड़े हुए, एक दिन कृष्ण बलराम बोले अपना पिताजी को पास में मचल गए। बोले पिताजी पिताजी हम दोनों भैया बड़े हो गए हैं, अभी हम दोनों गैया चरवाएंगे, आप तो वृद्ध हो गए हो, आप घर में रहो और घर में रह करके भगवान की पूजा पाठ आप किया करो, आपको ये सब कष्ट करने का कोई जरूरत नहीं। देखो ध्यान देकर सुनो, अगर तुम्हारी बेटा अगर तुम्हारी बहू अगर घर में आए, अगर पिता माता को बोले देखो आप तो वृद्ध हो गए हो, घर में बैठ करके ठाकुर का सेवा पूजा करो, भगवान की भक्ति करो, हम दोनों घर गृहस्थी चला लेते हैं, हमको और कष्ट करने का जरूरत नहीं, आप बताओ आप कितने खुश हो, बताओ खुश हो गए ना, दुख हो खुश हो जाएंगे, देखो हमारे बेटा कितने अच्छे हैं, बेटा कितने अच्छे हैं, खुश हो जाएंगे ना। इसलिए नंद बाबा इतने प्रसन्न हो गए, इतने खुश हो गए नंद बाबा, बोले लाला इतने अच्छे लाला है, हैं, बोले लाला तेरे को ये गैया चराने का कोई जरूरत नहीं है, हमारे घर में क्या नौकर की कमी है, ये नौकर जाकर चलाएंगे, तुमको कोई जरूरत नहीं, तुम खेलते रहो। बोले नहीं पिताजी
हम तो ग्वाला है, गोपाल है, गैया ही हमारी देवता है। इसलिए कृष्ण गोपाल मतलब क्या, जो गैया को जो पालन करने वाले ये भगवान कृष्ण चंद्र। इसलिए पिताजी उन्होंने इतने मचले दे, बोले नहीं पिताजी हम तो गैया चरवाएंगे। नंद बाबा बोले देखो अभी गैया चराने का जरूरत नहीं, तुम छोटे बच्चे हो, ये बछड़ को ले जाओ, थोड़ी दूर तक ले करके घूम फिर करके वापस चले आओ। तब उन्होंने सांडिल्य ऋषि को बुलाए, कोई अच्छा दिन निकालो। तब उन्होंने कार्तिक महीना की जो गोपाष्टमी है, बोले ये दिन बहुत बढ़िया दिन है, इसी दिन अगर कोई भी काम करो वो काम अच्छा होता है। अभी कृष्णा बछड़े चराने के लिए जाएंगे, मैया इतने दुखी हो गई, इतने दुखी हो, क्यों, बूढ़ी अवस्था में लाला मिला है, तीन बार तो कन्या को गोद में लेकर मैया लाड लड़ाती है। मैया दुखी हो गए, बोले लाला अगर तू बछड़े चराने के लिए जाओगे मैं तेरे विरह में प्राण को कैसे धारण करूंगा। कृष्ण बोले मैया मैं जो बच्चों को साथ में खेलने के लिए जाता हूँ उस समय तू तो अकेले घर में रहती है ना। बोले लाला जब तुम खेलने जाते हो देखना बच्चे लोग किलकार मारते हैं ना, बोले तुम जोर जोर से किलकार मारते रहते हो, मैं घर में बैठी बैठी करके तेरी गला की आवाज को मैं सुनती रहती हूँ, इससे मेरे को तसल्ली मिलती है। कृष्ण बोले मैया कोई चिंता मत करो, मैं भले ही जितने दूर तक बछड़े चराने के लिए क्यों नहीं जाऊँ वहीं से इतने जोर से मैं किलकार मारते रहूंगा, तेरे को घर में बैठी बैठी करके मेरे का आवाज तुम्हारी कानों में सुनने को मिलेगा। इसलिए अगर आप लोग नंदगांव जाओगे ना वहां पर एक स्थान है जिसका नाम टेर कदम, टेर मतलब बुलाना। कृष्ण कभी कभी वो वृक्षों के ऊपर चढ़ करके इतने जोर से किलकारी मारते थे मैया घर से सुनती रहती थी, मेरे लाला पास नहीं दूर में नहीं है। कभी कभी उसी वृक्ष में कृष्ण बंसुरी बजाया करते थे, गोपियों को बुला करके प्रभु रास करते थे, वहीं पर कृष्ण गैया चराया करते थे हैं। और गैया चराते हुए कृष्ण को तो 9 लाख गैया बड़े सखाओं की गैया, जैसे हम लोग माला जप करते हैं ना हरि नाम का, हम तो प्रभु का नाम की माला जप करते हैं, ठाकुर जी को पास में भी एक माला है, हम तो भगवान के नाम जप करते हैं, भगवान किसका नाम जप करते हैं, भक्तों का नाम। इसलिए एक एक मोती में एक एक ग्रुप था, वो मोती में मिला देते ये ग्रुप आ गया कि नहीं, ये ग्रुप आया कि नहीं, लेकिन अगर किसी ग्रुप का गैया नहीं आए ना कृष्ण पेड़ को ऊपर चढ़ जाते थे, जोर से उन्होंने बंसुरी से श्यामली धवली कृष्णा ऐसे करके नाम कृष्ण पुकारते थे। कृष्ण का बंसुरी में नाम सुन करके गैया तो कूच खड़े करते थे, भागते भागते आते थे। कभी कभी अगर कृष्ण किसी गैया का नाम पुकार लिया लेकिन किसी गैया का नाम नहीं लिया वो मान कर लेती है, फिर कृष्ण तो उसी गैया का नाम लिया, कृष्ण मेरा नाम नहीं लिया वो मान कर देती है गाय गैया, फिर कृष्ण क्या करते हैं फिर उसका नाम भी पुकारते हैं, उसको नाम भी पुकारते फिर वो खुश हो जाते हैं खुश। ऐसे ही भगवान उन्होंने पहले बछड़े जब चराने के लिए गए कृष्ण ने बकासुर को मारे, ये बकासुर बड़ा भयंकर राक्षस था, उसने बगुला का रूप धारण करते हुए बैठा हुआ था, वो ऐसे लग रहा था जैसे मानो किसी पर्वत का पंख को इंद्र ने काट करके गिरा दिया। जब कृष्ण गए इतने में बगुला तो झट पकड़ कर कृष्ण को निकल गया। सखाओं ने बोले भैया हमारे सखाओं को बगुला ने खा गयो रे, खायोरी। अभी भी ब्रज में एक गांव का नाम है खायोरी। लेकिन जब उन्होंने अंदर में ले लिया कृष्ण अपना शरीर को गर्म जैसे लोहे जैसे शरीर को उन्होंने गर्म कर दिया, इतने में उसने उबाल दिया है। तो यहाँ शिक्षा देते हैं देखो ये राक्षस के लिए तो भगवान लगा जैसे लोहे की कोई गर्म लोहे डाल दिया, लेकिन उसी भगवान को भक्त जब अपना हृदय में चिंतन करते हैं आनंद में विभोर हो जाते हैं। फिर जब उसको उल्टी कर दिया इतने में फिर उसने खाने के लिए आई तो कृष्ण उनको दो चोंच को पकड़ने फाड़ दी चीर दिया। इसलिए अभी भी जहाँ पर मारे वो गांव का नाम है चिल्ली है, कुछ गांव का नाम है चिल्ली। इसलिए कृष्ण बकासुर को मारे, बोले क्यों मारे, ठाकुर क्या शिक्षा दिया, ठाकुर ये शिक्षा देते हैं अगर भगवान की किसको भक्ति करना है ना हृदय तुम्हारी सरल होनी चाहिए, कपट व्यक्तियों को भगवान पसंद नहीं, छल छिद्र मोहे ना भावा भगवान कहते हैं, जिसके हृदय में छल कपट है बाहर एक थम दिखा रहे हैं लेकिन अंदर में और कोई चीज को सोच रहे हैं, भगवान कहते भैया ये चीज को मैं पसंद नहीं करता हूँ। जैसे कृष्ण बंसुरी बजाते हैं ना
बोले बंसुरी क्यों बजाते हैं? बोले बंसुरी में दो गुण है। पहला गुण है अंदर का भाग देखना पूरा खोला है, दूसरा गुण है कृष्ण जैसे चाहते बंसुरी वैसे ही बजती है। अगर ये दो गुण हमारे अंदर में आ जाए ना, कृष्ण भी कभी हम फिर छोड़ेंगे नहीं, अपना पास में कृष्ण हमें रखा करेंगे। इसलिए आप लोग बगुला देखे हो, कौन कौन बगुला देखे हो? सब देखे हो आप? देखना जब पानी में वो खड़ा हुआ होता है, वो एक पैर में खड़ा रहेगा, ऐसे लगता है जैसे कोई ऋषि मुनि यहाँ तपस्या कर रहा है, हैं? इसलिए जो राम लक्ष्मण जा रहे थे, इतने में राम भगवान लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण देख ये बगुला कितना बड़ा तपस्वी है, एक पैर में खड़ा हुआ जैसे ऋषि मुनि। लक्ष्मण ने कहा भैया ये कितना बड़ा, ये ऋषि मुनि ये मछलियों को पूछ लो एक पैर में क्यों खड़ा रहता है, ये मछलियों को पता नहीं चले यहाँ पर कोई खड़ा हुआ, जब पास में आता ना झट पकड़ कर खा लेता है, मतलब ये कपट है, ये कपट। इसलिए ठाकुर ने ये कपटता को दूर किए, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। दूसरा जो दैत्य को वध किया उन्होंने अघासुर को वध किया। कृष्ण जब सखाओं को साथ में बछड़े चराते हुए जा रहे थे, ये अघासुर ने, अघ मतलब होता है पाप, ये अघासुर ने इतना बड़ा मुंह फाड़ करके बैठा हुआ, कृष्ण के जो छोटे छोटे सखा आगे चल रहे थे देख कर डर गए, भागने लग गए, कोई सांप मुंह फाड़ कर बैठा हुआ। लेकिन जो बड़े बड़े सखा थे बोले पागल हो गया, कभी जिंदगी में देखा इतने बड़े सांप कभी देखा? अरे ये लगता है विश्वकर्मा ने कोई आश्चर्य कोई गुफा बनाया, चलो हम अंदर में चल करके देख करके आते हैं। बोले भैया अगर ये राक्षस होगा तो? बोले चिंता क्यों कर, कन्या साथ में ना, जिसको साथ में कृष्ण है, कितना जाके राके साइया मार सकना कोई बाल ना बांका कर सके जो जगत, कृष्ण साथ में ना हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है, ये बकासुर को मार देंगे उन्होंने अगर, इसलिए चिंता मत करो, अंदर में धीरे धीरे चलते रहे। लेकिन वो जो अघासुर वो मुंह बंद करके बैठा हुआ था, कल सब उनको भेजा था, एकदम मुंह खोल करके श्वास को बंद करके बैठा हुआ था। जब सखाओं ने अंदर में धीरे धीरे चलने लग गए, आप देखना सांप का दो जीवा होता है, हैं? देखे कि नहीं, दो जीवा है और जीवा कितनी गुदगुदी, जब उसको पर चल रहे थे लग रहा था मानो सुंदर कोई कारपेट बिछा करके रखे हैं, बड़े सुंदर कारपेट। एक सखा ने कहा भैया इसमें दो रोड क्यों है? दूसरे ने कहा तेरे को पता नहीं, एक तो अंदर में जाने के लिए और एक अंदर से आने के लिए, उसमें जो दांत ना बड़े बड़े खंबे जैसे था, हैं? खंबे जैसे था और उसको श्वास को बंद करके बैठा हुआ था। लेकिन जब धीरे धीरे सर पर श्वास छोड़ा, इतने में गर्मी गर्मी हवा आए, बोले भैया अंदर से गर्मी गर्मी हवा क्यों आ रहा है, हैं? फिर जब अंदर में गए मुंह से बदबू आने लग गया, सखा लोग तो ऐसे बात करते करते अंदर में चलते जा रहे, अंदर में चलते जा रहे हैं। इतने में जो कंस के जो चार ऊपर में थे ना, वो देख रहे थे क्या हो रहा है। जब कृष्णा के सखा लोग अंदर में चले गए, इतने में कृष्ण दूर से देखा, बोले तो अघासुर मुंह फाड़ करके बैठा हुआ, मेरे सखा लोग तो अंदर में चले गए। कृष्ण दूर से पुकारे, बोले सखाओ अंदर में मत जाया करो, ये अघासुर बैठा हुआ अंदर में मत जाओ। लेकिन सखा लोग तो ऑलरेडी चली गए। अभी कृष्ण सोच रहे हैं मेरे को दो काम करना पड़ेगा, एक तो सखाओं को बचाना और दूसरा काम है इसको मारना, कैसे ये दो काम को मैं करूं। जब कृष्ण अंदर में चले गए, जो ऊपर से कंस का चर देख रहे थे ना, वो बड़े खुश हो गए, बोले बस आज तो कंस का काम बन गया, क्यों कृष्ण भी अंदर में चले गए। उन लोगों ने गए और महाराज कंस को बोले, बोले महाराज कंस तुम्हारी काम बन गया है, कोई चिंता माताओं थोड़े थोड़े आगे खिसक आओगे, थोड़े थोड़े आगे आ जाओ, थोड़े थोड़े आगे आ जाओ, इधर भी रास्ता है इधर भी बैठ जाओ, ये रास्ता खाली है यहाँ पर भी बैठ सकते हो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरे कृष्ण। इसलिए कंस को बोले तुम्हारी काम बन गया, बोले क्या? बोले हमने देख करके आए पूरा के पूरा सखा लोग अंदर में चले गए, बस अब तो खत्म हो जाएंगे, कोई चिंता मत करो। लेकिन कृष्ण जब अंदर में गए
अपना शरीर को उन्हें इतना बड़ा विराट रूप में प्रकाशित किया, वो मुंह बंद करके तब तो बंद हुई है, उसका मुंह ही बंद नहीं हो पाए। प्रभु जाकर इसको गले में ऐसे अटक गए, उसको श्वास ही बंद हो गया। आप देखना, अगर श्वास बंद हो जाए ना, बस उसी समय प्राणी प्राण त्याग देता है। जब श्वास बंद हो गया, इतने में उसका ब्रह्मतल फट गई, एक ज्योति वहां से निकली और अघासुर ने वहीं पर उन्होंने प्राण को त्याग दे दिया। और इतने में जब प्राण त्याग दे दिया, स्वर्ग में देवता लोग भी देख रहे, तो अभी हाहाकार करने लग गए। ठाकुर तो अंदर में चले गए, अब भी क्या होगा, अब भी क्या होगा। लेकिन जब उन्होंने अघासुर को बंद कर दिया ना, देवता लोग खुश हो गए और कृष्ण को जयकार दिए, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जयकार में आनंद नहीं आ रहा है, कोई जय और के हे बोलते हो, और कुछ कुछ माता को देखते देख रहे हैं, वो तो मुंह पूरा बंद कर बैठे, उनका मुंह नहीं खुल रहा है। देखो भगवान के जितने जोर से जय लोगे ना, उतना पाप तुम्हारी चली जाएगी, उतना ही मंगल होगा। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण दिया। आपस में जो चर्चा कर रहे थे प्रभु की, ये चर्चा धीरे धीरे भूर भुव मोह जन तप और सत्य लोग में पहुंचा। सत्य लोग जहां पर पितामह ब्रह्मा रहते हैं, ब्रह्मा जी इस को सुन करके ब्रह्मा नीचे उतर करके आए, भैया क्यों इतने जयकार हो रहा है। उन्होंने क्या देखा, कृष्ण का उम्र था 5 साल का, और उन्होंने ये दैत्य को वध किया। जब वध किया, उसका ब्रह्म तालु फट करके जो ज्योति निकला था, वो ज्योति आकाश मार्ग में ज्योति इधर आ जाए, बताए अंदर में आ जाए, वो ज्योति वो आकाश में मंडरा रहा था। और जब कृष्ण बाहर निकले, माता उनको थोड़ा रास्ता दे दो, जब उन्हें कृष्ण बाहर निकले, वो ब्रह्म ज्योति आकर के कृष्ण का शरीर में समा गया। इसको देख करके ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य लगा, भैया ये बालक कौन है जिसमें ये ब्रह्म ज्योति भी जिनकी शरीर में समा गया, ये वे कौन। ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़े। फिर कृष्ण अघासुर को वध करके फिर यमुना किनारा में गए। माताओं इधर आ जाओ, इधर सामने आओ, सब सब सामने आ जाओ, सब बैठ जाओ, सब ये इधर बहुत सारी जगह, इधर आ जाओ, किस का आगे इधर आ जाओ, आगे इधर आ जाओ, और फिर आ गया, कोई किसी नहीं रहे, क्या चक्कर है, पत्थर जैसे लगता है जम गए। हाँ बैठ जाओ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय, जय जय। इधर इधर सब कैसे गाओ, हरे कृष्ण, सब इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, आज आज दो दो भक्त मिलकर के एक एक हो जाओ, तब जगह हो जाएगी, सब दो दो मिलकर के एक एक हो जाओ। हाँ अंदर में जाओ, अंदर भी तो पीछा लो, माता जी अब यही वहीं बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अब वहीं बैठो। अब तुम लोग क्यों खड़े हो गए हो, बैठ जाओ, कोई खड़े नहीं होना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। इतने में कृष्णा अपना सखाओं को साथ में गए और यमुना किनारा रेती के ऊपर बैठ गए। कृष्ण बीच में बैठे हुए और सखा सब घेर करके बैठे हुए। कितने सखाए, कितने लाख करोड़ों सखाए, लेकिन एक आश्चर्य बात क्या था, हर सखा ये देख रहे थे कृष्ण मेरे पास में बैठे, जैसे मैं इधर मुंह करके बैठा हूँ, इधर मुंह करके बैठा हूँ, लेकिन जो पीछे सखा है ना, वो देख रहे थे कृष्ण मेरे तरफ में मुंह करके बैठे हुए, उस तरफ में बैठे हुए। आपने सालग्राम देखे हो, बताओ सालग्राम का मुंह किधर और पीछे किधर है, दोनों तरफ में मुंह, दोनों तरफ में पीछे है। जैसे गिरिराज शिला भी देखे होंगे, मतलब जो फल ले लो, तो आप लोग ने गिरिराज की शिला भी देखे होंगे, आप देखना किधर मुंह और किधर पीछे है। कहते भगवान का चारी तरफ में मुंह है, चारी तरफ उनको पीछा भी है, इसलिए भगवान जैसे हमारे हाथ है ना,
ये हाथ में केवल काम कर सकते हो लेकिन हाथ में भोजन नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। कानों में हम सुन सकते हैं, कान में देख नहीं सकते, लेकिन शास्त्र ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान आंखों से खा भी सकते हैं, भगवान आंखों से चल भी सकते हैं, प्यार से ठाकुर जी देख भी सकते हैं, हाथों से ठाकुर जी सुन भी सकते हैं। बोले सकल इंद्रिय वृत्ति मंती पश्यंती पांति कलयती चिरम जगती। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान की सारे अंग सारे काम को सब कुछ कर सकते, उसके लिए कोई असंभव नहीं। इसलिए सारे सखाएं क्या देख रही थी, कृष्णा मेरे तरफ में मुंह करके सब के सब बैठे हुए। अभी घर से सखा लोग कोई मालपुआ लाए, कोई कपड़ा लाए, अलग अलग चीज को सब ले करके आए, लेकिन सखा लोग क्या कर रहे थे, कभी पहले खा रहे थे। बोले कन्हैया मेरी मैया तो बड़ी सुंदर मालपुआ भेजे है। बोले तू क्या अकेला खाओगे, कृष्ण छिन छिन कर खा रहे थे, सभी का झूठन खा रहे थे। एक सखा ने तो बढ़िया छाछ लाए थे, सखा ने कहा देख कन्हैया मेरे जो मैया है ना बड़े सुंदर छाछ लाए हैं। इतने में कृष्ण ने क्या किया, तू अकेला पियोगे हमको नहीं पियोगे। वो जो मटकी थी ना कृष्ण उसको पकड़ करके छिनातानी कर रहे थे, करते करते छलक करके वो जो छाछ सखा की छाती में गिरा। इतने में कृष्ण चाटने लग गए, बोले बाप बड़ा चोखो छाछ है, तू अकेला पी रहा था। ब्रह्मा जी ये लीला को देख रहे थे। ब्रह्मा जी का जो सृष्टि भगवान की नाभि कमल से, इसलिए वो भगवान को क्या मानते हैं, भगवान मेरे प्रभु, मैं उनका सेवक हूँ, मैं उनका दास हूँ। लेकिन ब्रज में तो कृष्ण को कोई भी भगवान नहीं मानते। सखा लोग कहते हैं तो हमारी सखा है, कृष्ण सबका झूठन खाते हैं, कृष्ण को कभी घोड़ा बना देते हैं। खेलते खेलते अगर कृष्ण हार गए ना, बोले कन्हैया घोड़ा बन, अगर कृष्ण को कहते यहाँ भांडेरीबट से लेकर के माट गांव तो घोड़ा बनकर चलो, घोड़ा बन। अगर कृष्ण कभी मना करते मैं घोड़ा नहीं बनता हूँ, सखा लोग क्या कहते, बोले कृष्ण को अकेले कर दो, इससे कोई बात नहीं करना। कृष्ण कहते नहीं भैया मैं घोड़ा बनूंगा, मेरे को अकेला मत करो। मतलब भगवान ब्रज का जो प्रेम में कृष्ण इतने बसे होते हैं, विश्व ब्रह्मांड में भगवान ने सभी का कान पकड़ करके उठाते बैठाते, लेकिन ब्रज में देखे को उल्टा है। मैया जसोदा क्या करती है, कृष्ण को कान बल देती है, हैं उठाती बैठाती है। विश्व ब्रह्मांड माया में भगवान दुनिया को बांध कर रखे, लेकिन मैया जसोदा क्या करती है, कृष्ण जब मक्खन चोरी किए मैया कृष्ण को स्वयं पुखल में बांध दी। सब लोग भगवान की चरण में प्रणाम करते हैं, लेकिन ब्रज में देखो अगर राधा रानी मान कर लिया ना, पता नहीं कृष्ण कितना बार राधा जी की चरण में गिरते हैं। बोले राधा रानी जब मान करती है ना, मेरे को गिरिराज उठाने में जितने ताकत नहीं लगा, कहते अघासुर बकासुरों को मारने के लिए जितना ताकत नहीं लगा, जब राधा रानी मान करती हैं पता नहीं मेरे को कितना कष्ट करना पड़ता है, हैं कितने कष्ट स्वीकार करना पड़ता है। इसलिए ब्रज में कोई भी कृष्ण को भगवान नहीं मानते, सबके सब अपना प्रियतम सखा अपना माता जी, उस चीज को वहीं से ले लो, अंदर में किसको आने मत दिया। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की। इसलिए वहां पर जब ब्रह्मा जी ये सब चीज को देखा ना, देख करके बोले ये कैसे भगवान है जिनको छुटन फुटन का भी कोई पता नहीं, ब्रह्मा तो मुक्त हो गए। और थोड़ी सी आगे लीला देखने के लिए क्या सचमुच से भगवान है, कृष्ण जो बछड़े को छोड़ करके वहां कलेवा कर रहे थे, उन्होंने बछड़े को चोरी कर ले लिया। सखान बोले कन्हैया बछड़े तो यही चल रहे थे, कहाँ गए। इतने में कृष्ण बोले तुम बैठो मैं देखने के लिए जाता हूँ। जब कृष्ण ढूंढने के लिए गए यहाँ, उन्होंने सखाओं को भी चोरी कर गुफा में बंद कर दिया। इतने में कृष्ण ने जोग माया ने उनको स्फूर्ण कराया, ये ब्रह्मा जी आपका लीला को समझ नहीं पाए, ये ब्रह्मा जी ने ये काम किया। फिर कृष्ण अपना शरीर से जैसे सखा थे, जैसे बछड़े थे, जैसे उनके गले के बोली थी, जैसे देखने में थे कोई काले कोई गोरे कोई सावर्ण, कृष्ण सब कुछ कृष्ण ने धारण किया। और कृष्ण स्वयं को साथ में ठाकुर जी लीला विलास कर रहे थे। ठाकुर जी ब्रह्मा जी जब उसको छुपा करके जब ब्रह्मलोक में गए ना, इतने में कृष्ण ने क्या किया, वो ब्रह्मा पहुंचने से पहले कृष्ण स्वयं ब्रह्मा बन गए। ब्रह्मा बन करके पहले ब्रह्मलोक में पहुंच गए। वहां जो दरबार था ना, बोले देख मैंने देखा मेरे जैसे कुछ बहुरूपिया को घूमते हुए, अगर मेरे जैसे कोई आते घुसने मत दिया करना। कृष्ण ब्रह्मा बन करके ब्रह्मा के आसन को दर्शन कर दिए।
जब असली ब्रह्मा वहां गए, उनका जो नौकर थे ना, दंड लेकर के ब्रह्मा जी को मारने दौड़े, ऋतु कहां से आ गया, चार सर लगा कर। हमारे प्रभु सही बता रहे थे, मेरे जैसे को जो बहुला घूमते हुए ब्रह्मा तो इतने डर गए, हे भगवान मेरे नौकर मेरे को भगा रहे, उनको तो पता था मैंने कुछ गड़बड़ी करके गया है, हैं? उन्होंने गए और आए, और तुम लोग एक व्यक्ति उधर बैठ जाते, एक लता दीदी उधर बैठे, पीछे बैठे जो आते हैं ना वो सामान को तुम ले लेना, और यही उधर बैठे उधर पीछे। इसलिए उन्होंने देखा ब्रह्मा जी गए और ब्रह्मा जी आए, और इसी जगत में हो गया एक साल हो गया, और गए और आने में एक साल बीत गया। ब्रह्मा जब एक साल के बाद में जब ये मरते जगत में आए, उन्होंने देखा कृष्ण एक साल पहले जैसे लीला कर रहे थे, अभी भी कृष्ण ठीक वैसे लीला कर रहे हैं। अभी तो ब्रह्मा चकरा गए, बोले उनको तो मैंने गुफा में बंद करके रखा, फिर कृष्ण क्या ले आए। फिर जब उधर गए ना, देखा ठीक वो वैसे ही सोए पड़े हुए मोह निद्रा। फिर जब इधर आए ठीक वैसे, तब उन्होंने सोचा लगता है मैं जब उधर जाता हूँ ना वो इधर आ जाते हैं, मैं जब इधर आता हूँ वो उधर चले जाते हैं। उन्होंने क्या किया, एक साथ में ब्रह्मा का चार सर है, इधर दो सर और इधर दो सर, एक साथ में उन्होंने दो तरफ में जब देखे, इतने में भगवान ने कहा ब्रह्मा देखो कि जितने सखा बछड़े ये सब कौन है। देखा ये जितने सखा बछड़े सब चतुर्भुजधारी नारायण है, लेकिन ब्रह्मा तो एक नारायण के नाभि कमल से सृष्टि हुए, वहां पर अनंत नारायण देखा आप ब्रह्म स्तंभ, जिधर देखे उधर ही नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मा समझ गए कि जो कृष्ण है ना ये मेरे बाप का बाप का बाप का भी बाप है। इसलिए ब्रह्मा जी ठाकुर जी के चरण में लेट गए और अपना आंखों का आंसुओं से उनके चरण को अभिषेक की, और आंख मलते मलते खड़े होकर के भगवान को स्तुति करते हैं। देखो ये जो स्तुति है ना ये ब्रह्मा कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, ब्रह्मा कौन है, ये जगत को सृष्टि करने वाले। हमारे कितने सर है, एक है, ब्रह्मा जी का कितना सर है, चार सर। देखो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, इतना बात को आप समझ कर ले जाओ कि ब्रह्मा जी कृष्ण कौन है और ये नारायण कौन है, ये अवतार कौन, इसको अच्छे तरह समझ जाओ, बहुत बड़ी चीज आप समझ जाओगे। बोले ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि गोविंद सर्व कारण कारण। बल्कि जो भगवान कृष्ण है, जितने कारणों का जो कारण है ये भगवान कृष्ण है। देखो ये चीज को समझो, जब गोलोक वृंदावन में एक दिन कृष्ण कल्प वृक्ष के नीचे कृष्ण खड़े हुए, अभी प्रभु की इच्छा हो रही है मैं लीला करूं, लेकिन अकेले रूप में तो लीला नहीं हो सकता, इसलिए ठाकुर जब रास लीला करने के लिए इच्छा की, उसी समय रास मंडल से कृष्ण की बाम अंग से श्री राधा रानी प्रकट हुई, और रास से प्रकट हुई इसलिए उनका पहला अक्षर पड़ गया रा, और रास से प्रकट होकर के सुंदर सुंदर पुष्पों को चयन करते हुए कृष्ण की चरण की सेवा करने के लिए धावित हुई, धावित मतलब दौड़ना है, इसलिए उनका नाम पड़ गया रा और धा। उनकी जो डाहन अंग से श्री बलदेव प्रभु प्रकट हुई, जब बलदेव प्रभु प्रकट हुए उनसे फिर एक मूल संकर्षण, फिर उसने चतुर्भ्यो, भ्यो मतलब प्रकाश है, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध हुए, वहां से जो के संकर्षण हुए उनसे तीन विष्णु प्रकट हुए। आप बोलोगे तो हम तो एक विष्णु का नाम सुने, आप तीन विष्णु कह रहे हैं। देखो ये तीन विष्णु का काम क्या है, एक विष्णु का नाम है कारण दुगसाई विष्णु, दूसरे विष्णु का नाम है गर्भ दुगसाई विष्णु, तीसरा विष्णु का नाम है क्षीर दुगसाई विष्णु। कहते ये तीन विष्णु प्रकट हुई, ये जो कारण दुगसाई जो विष्णु प्रकट हुए हैं, कहते इनसे हैं, कहते इनसे, कहते उन्होंने जो माया को प्रति दृष्टि की अनंत करोड़ ब्रह्मांड प्रकट हुए, कहते हर ब्रह्मांड में जो गर्भ दुगसाई विष्णु मतलब होता है, हैं, जिन्हें अपना शरीर से पसीना से एक ब्रह्मांड को भर दिया। अब भागवत सुने जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा सृष्टि हुई, एक विष्णु है गर्भ कारण क्षीराब्धिसाई विष्णु, बोले ये विष्णु क्या करते हैं, बोले सभी का हृदय में, हम कहते हैं ना हमारे हृदय में परमात्मा बैठे हुए, कहते हमारे हृदय में, कहते एक
वृक्ष में दो चिड़िया बैठे हुए हैं, कितना चिड़िया बैठे हुए, दो चिड़िया, बोले एक चिड़िया तो खट्टा मीठा फल को खाता है और एक जो चिड़िया है वो साखी रूप में देखता है, बोले ये खट्टा मीठा फल कौन खा रहे हैं, बोले जीव हम लोग, खट्टा मतलब कभी दुखी है, मीठा मतलब कभी सुखी, कभी सुख कभी दुख है, लेकिन जो साखी रूप में देखते हैं वो कौन है, वो परमात्मा है, वो श्री क्षीरोदशाय विष्णु है, हैं? लेकिन इसका मूल कौन हो गए, भगवान कृष्णा, और जितने शक्तियां हैं ये कहां से प्रकट हुई, बोले श्री राधा रानी से, उमा रमा चंद्रा सची दुर्गा काली ये जितने शक्ति सबके सब राधा रानी से प्रकट हुई। इसलिए जब हम लोग श्री कृष्ण और श्री राधा रानी को जब पूजा हम कर देते हैं फिर क्या होता है, तद अनंत करोड़ देवा देवियों की पूजा हो जाती है। अगर कृष्ण पूजा कर लिया ना, ये चीज को समझो, अभी बता रहे थे ना कितने देवता को तुम पूजा करोगे, इसलिए कृष्ण का अंदर में भगवान विराट रूप दिखाया, बोले हे अर्जुन देख ये विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर में, ब्रह्मा शंकर नारद सब देवता मेरे अंदर में। इसलिए जब हम कृष्ण भक्ति करते हैं ये अनंत करोड़ देवता अपने आप खुश हो जाते हैं। इसलिए कहते ना जहाँ पर कृपा हरि की हुई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। जब श्री राधा रानी को हम भक्ति करते हैं जितने शक्ति हैं सारे शक्तियों का पूजा अपने आप हो जाती है, सारे शक्तियों का पूजा। इसलिए ये ब्रह्मा जी कहते हैं जितने कारणों का जो मूल कारण है कौन है, ये भगवान श्री कृष्ण है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधा, जय जय श्री राधा। कितना जाओ और था कैसे करेगा, और था कैसे करेगा, इसलिए हाँ हरे कृष्ण। हाँ, और उधर कोई माताएं आए ना, हरे कृष्णा पीछे सुना जो बैठे हैं, और जितने कोई माताएं आए तो माता जी आप ये काम है, जितने माताएं आएंगी ना उनको पीछे बैठा देना, घर खाली है ठीक है, उनको इधर आने मत दिया कर। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की आज के आनंद की। हाँ देखो ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, आज हम लोग दो श्लोक उन्होंने जो स्तुति की उन्हें बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने बात बताई। हाँ क्योंकि पितामह ब्रह्मा ये हमारी आदि गुरु है, और आदि जो पिता है ना ये ब्रह्मा जी है, हमारे पिताजी की हम सबके सब मनु महाराज से हुए, उनका पिताजी कौन है, कैसे ब्रह्मा जी की वाम और डहान अंग सही मनो, और ये सतरूपा प्रकट हुए, इसलिए ये हमारी आदि गुरु भी है और ये हमारे आदि पिता भी है। इसलिए उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बात बताते हैं। अब आज हम एक श्लोक को सुनेंगे, अगर हो सके ये श्लोक को आप तक याद कर देना, अगर ये श्लोक को आप याद कर लोगे ना, अगर जीवन में अगर तुम्हारी कोई दुख कष्ट आएगा तो वो दुख कष्ट तो फिर तुम विचलित नहीं होगे, फिर तुम भक्ति नहीं छोड़ोगे, दुख कष्ट कभी खूब अगर आएगा तो दुख चली जाएगा, तो वो क्या कहते हैं, बोले तत्व कंपा सुमान भुंजामि एवात्मकृतम विपाकम्। मतलब है कि ये सब मुक्ति पद दायी भाव, मतलब भगवान के चरण को कौन पा सकता है, ब्रह्मा जी ये बात को कहते हैं, बोले तुम्हारे जीवन में जो कुछ आए कभी भी किसको पर दोष मत लगा, अमुक व्यक्ति के लिए हमें दुख मिला, ब्रह्मा जी कहते हैं भैया किसी व्यक्ति के लिए किसको दुख नहीं मिलता। आप लोगों ने अपने घर में रसोई बनाती होगी ना, कौन कौन घर में रसोई बनाती हो, सब बनाती हो, देखना जहाँ पर दाल रखे, एक जहाँ पर दाल रखे होंगे, कहीं चावल रखे होंगे, कहीं नमक रखे होंगे, कहीं मसाला रखे होंगे, कहीं हल्दी रखे होंगे, आप देखना आप जहाँ पर जो चीज रखा है जब आप वहाँ हाथ लगाओगे तो क्या आएगा, जहाँ दाल रखे हो हाथ लगाओगे तो वहाँ पर क्या आएगा, दाल, वहाँ पर नमक नहीं आएगा, जहाँ पर चावल रखे हो जब वहाँ हाथ लगाएगा क्या आएगा, दाल नहीं आएगा, क्यों, तुमने जहाँ पर जो चीज को रखे हो वहाँ पर वही चीज ही आएगा, क्यों, तुमने रखे वहाँ पर कोई चीज। उसी तरह हमारे जीवन में जब कोई चीज आता है, जैसे समझो जैसे आपने चीकू का बीज बोए, बताओ वहाँ कौन सा पेड़ आएगा, केले का पेड़ आएगा नहीं, जहाँ केले का बीज बोओगे तो कौन सा वृक्ष आएगा, केले, जहाँ एप्पल के बीज बोए कौन सा वृक्ष आएगा,
जहाँ अपने नीम का बीज वही कौन सा वृक्ष आएगा, जहाँ करेला का बीज वही कौन सा वृक्ष आएगा। कारण है तुम जो जैसे बीज को बोगे ना वहां पर वैसे ही पेड़ आएगा, दूसरे पेड़ नहीं आएगी। इसलिए हमने पूर्व जीवन में जो जो कर्म किया है वो कर्म का फल को हम भोग कर रहे हैं। इसमें किसी की हाथ नहीं है, किसकी हाथ इसमें नहीं है। हमने जैसे कर्म किया वो, इसलिए कर्म का फल देने वाले कौन है, यम महाराज। इसलिए उनका एक नाम धर्मराज, धर्म की राजा है। वो तराज में नाप करके हमने जैसे जैसे कर्म किया वो हमें वैसे वैसे फल हमें ब्रह्मा जी दे रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं भैया तत्व में प्रतिष्ठित होकर के भुज्यामि एवात्म कृतम विपाकम, जो कुछ हो करते हैं किया हुआ कर्म का फल हम भोग करते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं क्या है, बोले जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। ठाकुर जी जिस अवस्था में तुमको रखे हैं उसी अवस्था में रहकर क्या करो, एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 हम कभी अगर जीवन में कोई दुख कष्ट आ जाए ना, कभी कभी हम कहते हैं भैया हमने कभी किसी की बुराई किया है, किसका हमने कभी जिंदगी में बुराई नहीं किया, फिर हमारे जीवन में दुख कष्ट क्यों आए। जैसे कभी कभी हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की भजन करते हैं, हैं? अगर थोड़ी दुख कष्ट आ जाए फिर हम विचलित हो जाते हैं। हम इतना ठाकुर का सेवा पूजा करते हैं, दिन भर ठाकुर को बुलाते, ठाकुर देखो हमारे साथ में ऐसे क्यों करते हैं। देखो एक दो एग्जाम्पल देता हूँ, इसको अपना दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। देखो जैसे देखना, जैसे गेहूं का खेती होता है ना, जब गेहूं का खेती होती है हम देखना गांव में एक ड्रम रखते हैं, वो ड्रम में वो गेहूं को डाल देते हैं, उसका नीचे एक छेद होता है, जितना जरूरत गेहूं को वहां से निकालते रहते हैं। आपसे एक प्रश्न करूंगा, उत्तर देना। जैसे इसी साल गेहूं की खेती हुई लेकिन इतने बढ़िया नहीं हो पाए, छोटा छोटा गेहूं हुआ, उसको भी अंदर में डाल दो, लेकिन जब दूसरी साल खेती हुई बढ़िया बारिश हुई पानी बढ़िया मिला और गेहूं का खेती बहुत बढ़िया हुआ, गेहूं का दाना बड़ा बड़ा हुआ, उसको भी ऊपर से डाल दो, जब आप नीचे निकालोगे पहले कौन सा गेहूं निकलेगा, कौन बोलेगा हाथ उठा, क्यों आप तो ऊपर से बड़ा गेहूं डाला ना। अब ये चीज हम समझ रहे कि नहीं, यही चीज वो समझो, बोल हम तो ऊपर से बड़ा गेहूं डाला तो नीचे से तो बड़ा निकलनी चाहिए, बोले नहीं, लेकिन आपने जो पहला गेहूं डाला है ना, पहले आपने छोटा गेहूं डाला है, बड़ा गेहूं आएगा लेकिन जब छोटा गेहूं खत्म हो जाएगा तो बड़ा गेहूं भी आएगा, क्यों पहले तुमने छोटा गेहूं डाले। उसी तरह जैसे भक्ति करते हैं, अगर कोई दुख कष्ट आ जाए कहते हम तो भगवान की इतना भजन किया भक्ति कर रहे कि जीवन में कष्ट क्यों आ रहे, नहीं भैया अभी जो तुम भजन कर रहे हो इसका फल कभी बर्बाद नहीं जाएगा। कृष्ण गीता में खुद कहते हैं, बोले हे अर्जुन, बोले कौन तय प्रति जाने न मे भक्ता प्रणीशति, भगवान खुद कहते हैं नेह विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यय न विद्यते। कृष्ण बहुत बड़ी बात कहते हैं, बोले हे अर्जुन मेरे लिए अगर इतनी सी कोई करता है ना, मेरे थोड़ी सी कोई करता है, हैं? अगर मेरे तरफ में कोई एक कदम बढ़ाए मैं उसका तरफ में 10 कदम बढ़ाता हूँ, मेरे लिए कोई इतना करता हूँ मैं उसके लिए इतना करता हूँ। देखो छोटी सी कहानी सुनो, बोले एक की पद्म पुराण की कथा है, ठाकुर जी कितने दयालु है। बोले एक समय कार्तिक का महीना थी, किसी भक्त ने भगवान के दरबार में दिया जलाने के लिए दिया, अभी धीरे 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 वो दिया बुझने जा रही थी, इतने में एक चूहा ने वो तेल खाने के लोभ से वहां पहुंच गया। जब वो चूहा तेल पी रहा था उसको दांत में लग गई बत्ती, बत्ती लगते ही वो चूहा पीछे भगा, लेकिन जब चूहा पीछे भगा ना वो दिया जो बुझने जा रही थी वो दिया हो गई तेज, जब तेज हो गई और उसके मुंह में लग गया थोड़ी सी आग, प्रभु जी इधर आ जाओ, प्रेमचंद प्रभु जी इधर आ जाओ, इसलिए वो चूहा क्या हो गया दीप,
हो गया, तेज हो गया। जब तेज हो गया, देख चूंकि वो चूहा की मुंह में थोड़ी लगी आग, आग लगते ही वो चूहा ने दो चार बार छलांग लगा दी। क्या किया उसने? दो चार बार उन्होंने छलांग लगा दी। देखो ठाकुर जी कितने दयालु, बोले एक में था कार्तिक महीना और ये दिया बुझने जा रही थी, दिया बुझने जा रही थी, लेकिन इसने क्या किया, दिया को उसने तेज कर दिया है, और दो चार बार मुंह में आग लग गई, दो बार तीन बार छलांग लगा। मतलब किया ठाकुर जी ने सोचा उसने मेरे को आरती उतारते हुए मेरे सामने उसने नृत्य किया है, नृत्य किया, उसका फल क्या हुआ देखो। वही चूहा अगले जीवन में राजा की घर में राजकुमारी बनने के लिए जन्म हुई, क्योंकि कार्तिक महीना थी, कार्तिक महीना राधा रानी की व्रत है और सबसे श्रेष्ठ व्रत कार्तिक महीना है, और इसी महीना में उसने मेरे को दिया दिखाया, दो तीन बार छलांग लगाया, मतलब मेरे सामने नृत्य किया। एक चूहा अगर ठाकुर को सामने दो तीन बार छलांग लगा करके दिया को थोड़ा तेज कर दे, अगर वो राजकुमारी बन सकती है, और भगवान की भक्ति करते करते क्या हुआ उसको मेरे ठाकुर जी गोलोक वृंदावन में अपना पटरानी की स्थान दे दिया। एक चूहा को अगर हम ठाकुर जी की इसी जीवन में भक्ति करेंगे, क्या ठाकुर फल नहीं दे सकते, देंगे नहीं, आप सोच भी नहीं सकते इतने फल मिलने वाले। जैसे यहाँ बैठ कर कथा सुन रहे ना, ये चित्रगुप्त ने ऊपर से सारी फोटो ले रहा है, उसका नाम चित्रगुप्त है ना, जो छुपा करके हमारे सारे फोटो को ले रहा है। जो ऊपर जाओगे देखोगे सब, जब कापी खुलेगा ना देखोगे कितने आपने पुण्य अर्जन किया है। इसलिए कभी कभी हम भक्ति करते करते कभी कभी हम भ्रमित तो हो जाते हैं, हम इतने का ठाकुर के सेवा पूजा की और ठाकुर जी हमारे साथ में ऐसी क्या नहीं। भगवान कहते ना मंगल भवन अमंगल हरी, भगवान कभी भी किसी की अमंगल कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो भगवान है ये मंगलमय भगवान है, ये ठाकुर जी ये मंगलमय भगवान, इसलिए हर समय दृढ़ता पूर्वक भगवान की भक्ति करनी चाहिए। देखो और एक छोटी बात सुनो, अगर जीवन में कोई विपत्ति आ जाए उसको आप नेगेटिव रूप में मत लिया करो, उसको पॉजिटिव रूप में लो, उसको गंदे रूप में मत लिया करो। देखो एक छोटी सी कथा सुन लो, बोले एक समय दो भाई थे, एक भाई तो नास्तिक समझता हो जो भगवान को नहीं मानता है, एक भाई था आस्तिक जो भगवान को भक्ति पूजा करता है। अभी जो नास्तिक था ना वो जो भक्ति करता था उसको हंसी उड़ाता था, बोले दिन भर कोई काम धाम नहीं, सबसे माला लेकर के हरे कृष्ण करते रहते हो, हैं गीता भागवत लेकर के ये पत्थरों के सामने बैठे रहते हो, कोई काम धाम है ही नहीं, ऐसे सब बेकार बात, भक्ति भक्ति छोड़। लेकिन अभी जो प्रभु का भजन करता है ना उसको पता है ठाकुर जी की भजन में कितना आनंद है, ठाकुर की भक्ति में कितने मस्ती है, कौन जानता है, जिसने ये रस को पान किया वही जानता है। अभी क्या हुआ, दोनों भाई जा रहे थे कहीं निमंत्रण में, जाते समय जो भगवान की भक्ति नहीं करता था उसको एक सोने की मोहर मिल गया, उसको तो मौका मिल गया, बोले देख लिया तू इतने राम राम कृष्ण कृष्ण करते हो, तेरे को क्या मिला है, हैं देखो मेरे को क्या मिला, सोने की माता जी को आने मत दिया करो, तेरे को मैंने पहले बोला ना इसको यहाँ आने नहीं करना, जो आते उनको पीछे बैठाओ, तुमको पीछे किस लिए बोला तुमको, इसलिए उन्होंने बोले से वृंदावन बिहारी लाल की जय, तुम थोड़ा आगे बैठ जाओ, थोड़ी आगे बैठो, जो आए ना उनको पीछे बैठा देना, क्योंकि एक व्यक्ति जो पूरा सामने आती है ना ये सबको डिस्टर्ब कर देती है। इसलिए उन्होंने अभी जो भक्ति नहीं करता था क्या मिला उसको, सोने की मोहर मिल गया, बोले देख लिया मैं भगवान की भक्ति नहीं करता हूँ मेरे को सोने की मोहर मिला, बोले बात भी सही है, लेकिन जब और थोड़ी दूर गया जो भक्ति करता था उसको प्यार में लोहे की सीख गड़ गई, खून बहने लग गया, बस उसको तो मौका मिल गया, बोले देख लिया भक्ति करने से क्या होता है, तेरे प्यार में लोहे की सीख गड़ गई, खून बह रही है, और देखो मैं भक्ति नहीं करता मेरे को सोने की मोहर मिला। वो इतने दुखी हो गया ठाकुर जी दिन रात तेरे में सेवा पूजा करता हूँ तो सबके सामने मेरे को ऐसे बेइज्जत करते हो, जो उन्होंने बोले इतने में आकाशवाणी हुई, ठाकुर को सहन नहीं हुआ, इतने में आकाशवाणी हुई, बोले बेटा ऐसे मत समझो, जो भजन करते हैं उनको दुख मिलता है, जो भजन नहीं करते उसको सुख मिलते, ऐसे मत समझो। सुनो तुम्हारी पूर्व जन्म की कथा सुनो, ये जो पूर्व जन्म में जिसको सोने की मोहर मिला इसने इतने दान पुण्य उसने किया था, आज का दिन उसको राज दरबार में राज सिंहासन में बैठने का था,
राज सिंहासन मिलने का था, लेकिन वो मेरी निंदा करता है, मेरे भक्तों की चुगली करता है, मेरी सारे पुण्य को उसको खत्म कर दिया और एक सोने की मोहर देकर उसको वंचित कर दिया। तू सुन, पहले जन्म में तुमने एक मर्डर किया था, आज का दिन तेरे को राज दरबार में फांसी झूलने का था, लेकिन चूंकि तुम मेरे भजन करते हो, लेकिन मैंने क्या किया, तुम्हारे सारे पाप को मैंने नष्ट करके हैं, केवल तुम्हारी प्यार में एक लोहे की सीख गड़ा करके मैंने तेरे को छोड़ दिया है। इसलिए ये मत समझो जो भक्ति करते हैं उनको दुख मिलता है, जो नहीं करते सुख मिलता, कभी ऐसे नहीं सोचनी चाहिए। इसलिए भगवान मंगलमय है, भगवान करुणा करने वाले। माता जी जो आ रहे हैं पीछे, उनको पीछे घर में बैठा, इधर नहीं भेजना। प्रभु जी तुम वहां जाओ, ये कोई काम के नहीं, तुम वहीं कर दो, वहीं पर बैठ जाओ। यहाँ पर सब बैठ गए, वहां पर जागा कोई नहीं। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद हरि गोविंद गोविंद जय जय गोविंद जय जय इसलिए ब्रह्मा जी और एक अच्छी बात कहते हैं, जैसे किसको बोलो भैया भगवान की भजन करो भक्ति करो, लेकिन ये लोग क्या सोचते हैं, कहते देखो जब संसार का सारे काम को निपटा देंगे ना फिर तो भजन करें। आप बताओ संसार में अभी तक तो किसका काम निपटा है, देखना खुद तो निपट जाओगे लेकिन काम कभी निपटता नहीं, काम कभी निपटता हुआ देखे हो आप प्रैक्टिकल रूप में देखना। जैसे एक समस्या सोचते हैं एक समस्या दूर हो जाए भैया चैन मिलेगा, अब देखना प्रैक्टिकल रूप में एक समस्या तो दूर हुई नहीं, अब देखना दूसरे समस्या खड़ी हुआ, दूसरे समस्या खड़ी नहीं तीसरे समस्या शुरू हो जाती है। इसलिए भैया जगत में अभी तो किसका काम नहीं निपटा है, हैं? लेकिन और एक चीज अब स्वयं देख लेना, कहते ना करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। कृष्ण खुद कहते हैं मेरे तरफ में तुम एक कदम बढ़ाओ मैं तेरे तरफ में 10 कदम बढ़ाऊंगा। आप लोगों ने नरसिंह भक्त का नाम सुना है ना, नरसिंह भक्त की उन्होंने बेटी की जो शादी ठाकुर ने करवाया, क्या उनने शादी हीरे जवाहरात की, आप जो देखे होंगे हीरे जवाहरात तो बारिश होने लग गया, ऐसे उन्होंने शादी करवाई। इसलिए जब हम भगवान की भक्ति में लग जाते हैं पर भगवान को चिंता लग जाता है, ये मेरा भजन कर रहा है इसका काम तो मेरे को करना पड़ेगा हैं। अगर ठाकुर जी की कृपा हो जाए ना वो चुटकी बजाते हुए काम हो जाएगी। इसलिए ब्रह्मा कहते स्थाने स्थिता श्रुति गतांग तनु बांग मनोवी, मतलब भगवान तुम्हें जिस अवस्था में रखे उसी अवस्था में रह करके भजन करो हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं हम कभी कहते नहीं आगे हमारी स्थिति बढ़िया हो जाएगा भजन करेंगे, भगवान कहते तभी बढ़िया होगा जो भजन करोगे, भजन के बगैर कोई बढ़िया होने वाले नहीं। और ये कि ब्रह्मा जी बात कहते हैं ठाकुर जी हमें जिस अवस्था में रखे उसी अवस्था को समझो, ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है, सबसे बड़ी कृपा अभी हमारे ऊपर में, इससे आगे कोई बढ़िया स्थिति हो ही नहीं सकती है।
अगर होगा तो प्रभु की भजन से होगा, प्रभु के भजन के बगैर नहीं होगा। इसलिए कहते स्थानीय स्थिताम है। देखो एक समय एक राजा एक मंत्री थे। जो मंत्री है ना बड़ा भक्त है, हर काम काम में बोलता था देखो ठाकुर जी मंगलमय, भगवान कभी किसी का अमंगल कर ही नहीं सकते। हम कहते ना भगवान किसी का अमंगल करते ही नहीं, क्योंकि भगवान मंगलमय ना, मंगल भवन अमंगल हरी। राजा और जो मंत्री दोनों गए जंगल में शिकार खेलने के लिए। शिकार खेलते खेलते इतने में राजा का ये कनिष्ठ अंगुल कट गया। बोले महामंत्री मेरे अंगुल कट गया। लेकिन मंत्री तो भगत है, हर काम में कहते ठाकुर मंगलमय, कभी अमंगल करते नहीं। इतने में मंत्री बोल दिया देखो महाराज भगवान मंगलमय, भगवान तो कभी अमंगल कर ही नहीं सकते। बोले क्या जिंदगी भर के लिए मेरा अंगुल कट गया तो भगवान मंगलमय अमंगल कर ही नहीं सकते। फिर वही बोले भगवान तो कभी किसी का अमंगल करते नहीं, भगवान तो सभी का मंगल ही करते। बोले देखो अभी तेरा मंगल करवाता, जो कुछ करते भगवान करते ना मंगल। बोले हाँ, बोले अभी तेरा मंगल में करवाता। एक सूखा कुआ था अंधकार, धक्का मार कर गिरा दे। बोले यहीं पर पड़े रहो, हम देखेंगे ठाकुर का मंगल कैसे करते हैं। राजा गया, जब आते समय वही जंगल में डाकू का कोई सरदार था, उसने माता देवी की उपासना करता था, देवी को पास में मनोज रखा था। घर में अगर एक बेटा हो जाएगा ना, हे माँ देवी तेरे सामने एक नर बलि दूंगा। अब उसको घर में कैसे के बेटा हो गया, जो डाकू थे बोले पकड़ कर ले आओ जंगल में जो कोई मिले। मैंने मनोज रखा, घूमते घूमते राजा मिले, पकड़ लिया डाकुओं ने। बोले चलो देवी को सामने बलि चढ़ाओगे। बोले हे भगवान मैं तो गड़बड़ी कर दिया, अगर मंत्री होता तो किसी तरह से युद्ध करते, मैं तो मंत्री को कुएं में फेंक करके आया अकेला, अभी पकड़ करके ले गए और वहां पर लकड़ी में गले को फंसा दिया। उठाया तलवार काटने के लिए छटपट छटपट कर रहा था, लेकिन एक नियम है, उसी व्यक्ति को देवी को सामने बलि चढ़ा सकते हैं जिसका शरीर पूर्ण हो, जिसका अंग पूर्ण नहीं है, अंग भंग है, वो देवी को सामने बलि नहीं चढ़ती है। हठात जब उठाया था छटपट कर रहा था, देखा ऐसे अंगुल कटा हुआ और उसमें खून टपक रहा है। देख करके तलवार को नीचे कर दिया। बोले नहीं, ये माँ देवी की सेवा की लायक नहीं, क्यों इसका अंग पूर्ण नहीं, अंग कटा हुआ है, छोड़ दिया। बोले महाराज तू चले जा। राजा ने देखा भैया मंत्री तो सही बोल रहा था, भगवान जो करते हैं मंगल के लिए अमंगल करते नहीं, अगर मेरा ये अंगुल कटा नहीं हुआ था तो पूरा के पूरा भैया के सामने बलि चढ़ जाता। उन्होंने वापस आया, आ करके वो जो कुएं में था ना मंत्री को निकाला और सारे बात को बताया ऐसे ऐसे। राजा ने कहा मंत्री अभी भी मेरे मन में एक शंका। बोले क्या शंका बता। बोले ये बोलो भगवान जो करते हैं मंगल के लिए। बोले हाँ। बोले तेरे को तब से अभी तक मैंने ये अंधकार कुएं में तेरे को मैंने डाल कर रखा, लेकिन ये अंधकार कुएं में तुमने बिताया, तेरा मंगल क्या हुआ। देखो मंत्री क्या कहता है। बोले भैया मंगल तो मेरा हुआ, तेरा क्या हुआ। बोले मतलब क्या, अगर तू मेरे को कुएं में नहीं डालते हम दोनों चलते तो तेरा अंगुल तो कटा हुआ, तेरे को तो छोड़ देते और मेरा शरीर पूरा के पूरा था, मेरे को मैया के सामने भर गया। इसलिए ये ब्रह्मा कहते हैं। देखो इतने सूत्र को हमारे जो गुरुजी थे ना प्रभुपाद थे। अब देखना जब भक्ति करो कभी कभी जीवन में कभी कभी थोड़ी सी विपत्ति आ जाती है, तब प्रभुपाद को जो पत्र लिखते थे प्रभुपाद यही श्लोकों को, ब्रह्मा जी की स्तुति यही श्लोकों को लिख करके भेज देते, बेटा ये श्लोकों को स्मरण करेगा तो तेरा मन में दुख नहीं आएगा। क्यों, हम जो कुछ भोग करते हैं कर्म का फल भोग करते हैं। ब्रह्मा और ये बात कहते हैं, लेकिन कभी भजन नहीं छोड़ना। क्या नहीं छोड़ना, भक्ति नहीं छोड़ना। बोले क्यों, अगर जीवन में कभी शांति सुख मिल सकता है प्रभु का भजन से ही मिलेगा। अब तू भजन करते हो इसलिए जो थोड़ी दुख कष्ट आ रहा है ना वो भजन की वजह से थोड़ी आ रहा है। अगर तू भजन नहीं करता तो पता नहीं कितने पहाड़ तेरे सर पर आ जाता, पहाड़ की दुख आ जाता। इसलिए हर चीज को पॉजिटिव रूप में लेकर क्या करो, ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान की भक्ति करते रहो, क्योंकि हमारे जो पिता है हम अमृतस्य पुत्र, हम भगवान के बच्चे हैं, जो आनंद स्वरूप रस स्वरूप प्रेम स्वरूप है, एक दिन उस संपत्ति में हमारे अधिकार है। एक दिन पिताजी की संपत्ति को हम प्राप्त करेंगे, क्यों, पिताजी की संपत्ति बच्चे का हकदार है और भगवान सचिदानंद रूप है, सत चित आनंद स्वरूप, एक दिन वो रस हमें जरूर मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा, जब भजन में रहोगे।
बच्चे को कब पिताजी की संपत्ति मिलेगा? जब वो बच्चा पिताजी की सेवा करेगा, नहीं करेगा तो संपत्ति नहीं मिलेगी। अगर भक्ति करोगे तभी तो वो आनंद मिल सकता है ना। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, खबरदार कभी प्रभु का भजन नहीं छोड़ना, भले ही दुनिया छूट जाए। लेकिन हम क्या करते जानते हो, अगर भजन कर रहे हैं थोड़ी मोड़ी कोई विपत्ति आ जाए ना, देखना अपना सोना नहीं छोड़ेंगे, अपना खाना नहीं छोड़ेंगे, अपना घूमना नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, पहले ये माला छोड़ देंगे, ले जाए। भगवान का इतना भजन किया, भगवान ने हमारे साथ में यही किया, लेकिन अपना भोजन नहीं छोड़ा, घूमना सोना नहीं छोड़ा, एक दिन का कुछ भी नहीं छोड़ा है, क्या छोड़ दिया? भगवान की भक्ति। इसलिए सूरदास कहते हैं, जिनी तनु दही ताही बिसराई, कैसे नमक हरामी, मौसम कोन कुटिल भलकामी। जिसने तुम्हें सब कुछ दिया, जीवन दिया, प्राण दिया, सब कुछ दिया, तो उसको ही भूल करके बैठ गए। और जिसने जीवन में कुछ भी नहीं दिया, बदनामी देने वाले ना, दिन भर हम उसको पीछे पीछे लगेंगे। दिन भर देखो संसार में अक्सर करके आप देखना, संसार में हम जो कुछ करते हैं ना, अपना परिवार को किसी खुश रखे, अपना पत्नी को, अपना बच्चे को, अपना पति को, सास को, ननद को, ससुर को, इसलिए हम देखना ज्यादा उसी के लिए करते करते कि नहीं, अपना लिए तो सबको खिला करके जो दो रोटी मिल जाती है, थोड़ी सी सब्जी मिली कि नहीं, उसी से ही पेट भर लेता हूँ, भरते कि नहीं, यही तो करते हैं ना। लेकिन आपसे पूछता हूँ, अभी संसार में तुम्हारे ऊपर कोई खुश है? पूछ लो किसको खुश है तुम्हारी? पीछे देखना, दिन भर तो सेवा करती हो, पीछे बदनामी चुगली करते होंगे, पीछे तुम्हारे चुगली करते होंगे, भैया किसी को खुश नहीं कर सकते हो। लेकिन सुदामा ने ठाकुर को दो मुट्ठी चिड़वा दिया, ठाकुर त्रिभुवन का राज्य दे दिया, भगवान के अंगुल कट गई तो द्रौपदी ने साड़ी फाड़ कर बैंडेज कर दी। लेकिन भरी सभा में जब लाज जा रही थी, जिसकी पांच पांच पति कोई भी काम में नहीं आए, काम आए तो कौन आए, एक बार तो बोलो कौन आए? भाई मुरली वाले आए काम में, और कोई काम में नहीं आए। अगर जीवन में काम आएगा तो वही काम में आएगा, ठीक है ना। इसलिए एक बार हाथ उठा करके बोलो, तो भजन बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे I'm not afraid.
ठाकुर जीवन में क्या उनके गाया राजकुमारी। अगर यह ठाकुर का कीर्तन में नाचोगे तो पता नहीं कृष्ण तो इसी जीवन में तुम्हारा अपना गोपी बना करके वृंदावन ले जाएंगे। अगर ठाकुर को सामने नाच लोगे, जो ठाकुर को सामने नाचते है ना उसको दुख रूपी संसार में नाचना नहीं पड़ता है, और जो ठाकुर के सामने नहीं नाचोगे फिर तो 84 लाख जन्म में नाचना पड़ेगा। नहीं तो सास के सामने नाचोगे, नहीं तो बहू को सामने नाचोगे, नहीं तो पति को सामने, नहीं तो खसम को सामने नाचना पड़ेगा। अभी देख लो किसको सामने नाचोगे, एक बार सबके सब खड़े हो जाओ, सबके सब खड़े हो जाओ, सबके सब Thank you.
ब्रह्मा जी भगवान को सुंदर सुंदर स्तुति कर रहे थे, लेकिन ठाकुर जी किसी तरह से खुश नहीं हो रहे थे। अभी ब्रह्मा जी ने देखा, अभी तक तो मैंने कृष्ण को स्तुति करके देखा, ठाकुर खुश नहीं हुए। अभी एक बार मैं ब्रजवासियों को स्तुति करके, उनकी भक्तों को स्तुति करके देखता हूँ, ठाकुर खुश होते कि नहीं। जब उन्होंने उनकी भक्तों को स्तुति की, बोले अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंद गो ब्रज उपसाम जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। बल्कि ब्रजवासियों का महिमा क्या बताए, जो पूर्ण ब्रह्म सनातन है, किसकी सखा बन गई, किसकी बेटे बन गई, किसकी प्रियतम बन गई, ये ब्रजवासियों का महिमा तो हम बता ही नहीं सकते। जब उन्होंने इतनी सी बात बताई ना, भगवान कृष्ण मुस्कुरा दिए। तो ब्रह्मा जी को पता चला ठाकुर जी का कमजोर कहाँ पर, मतलब है शिक्षा देते हैं, अगर हम भगवान को खुश करना चाहते हैं, उनको स्तुति उनकी सेवा से जितना खुश होते हैं, अगर उनकी भक्तों को स्तुति सेवा कर तो उससे ठाकुर जी ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए उन्होंने भगवान को तीन बार परिक्रमा करके, ब्रह्मा जी ने देखा जब तक यहाँ रहूंगा, ठाकुर जी भोजन करते समय मैंने डिस्टर्ब किया, अभी तक भी ठाकुर जी पूरा भोजन नहीं कर पाए, जब तक रहूंगा ठाकुर को बाधा पड़ेगा। इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी तीन बार परिक्रमा करके ब्रह्मा जी वहां से चले गए। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे चार सर है और जगतों को मैं सृष्टि करने वाला, बल्कि बालू का धूल कणा को कोई गिन सकता है, बारिश का बूंद कोई गिन सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी की महिमा को कोई पार नहीं पा सकते। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ, श्याम श्रवण को। हाँ, अभी हमारे भक्तों लोगों ने थोड़ी सी आप कथा सुनाएंगे, कृष्ण कैसे बचपन में घर घर में कैसे प्रभु जी मक्खन चोरी करते थे, प्रभु जी दो चार चोरी की कथा सुनाएंगे। बोले श्री मक्खन चोर भगवान की जय। ओमज्ञानतिमिरांध्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै शिवगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जयति कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य श्री गौरभक्तवृंद सभापति करेंगे। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा समस्त उपस्थित श्रोता मंडली कथा श्रवणकारी भक्त बृंद वैष्णव बृंद
समस्त ही चरणों में आदम का लिखा देने बंदर प्रणाम स्वीकार है। ठाकुर जी के बड़े सुंदर सुंदर मधुर मधुर लीला हम श्रवण कर रहे थे। अभी तक तो गुरु जी के मुखारविंद से श्रवण किए कि किस प्रकार ठाकुर जी ने एक एक राक्षस को वध किया, और राक्षस वध करना ये ऐश्वर्यमय लीला है। यद्यपि ब्रज के सारे लीला शिक्षा पूर्ण है और माधुर्यमय है, फिर भी ये ऐश्वर्य वाला काम है। साधारण व्यक्ति कोई गिरिराज उठा नहीं सकता, साधारण व्यक्ति कोई काले के सर के ऊपर नाच नहीं सकता, साधारण व्यक्ति अगासुर लोकासुर को वध नहीं कर सकता, और साधारण व्यक्ति को कोई ब्रह्मा जैसे परम पिता के प्रणाम नहीं करते, परिक्रमा नहीं कर सकते। फिर भी ये साधारण नहीं होते हुए भी ये ब्रजगोपियों के इस प्रकार प्रेम में वशीभूत है ठाकुर जी। इन्होंने ब्रज में माखन चोरी लीला के माध्यम से दिखाया। तो ठाकुर जी जैसे छोटे छोटे हो गए ना, धीरे धीरे चलना शुरू किया, तो ठाकुर जी को बड़ा इच्छा हुआ कि माखन चोरी करूँ। अब ठाकुर जी पयो हो दधि ये चोरा कि पयो दधि, पयो यानी दूध और दधि, ब्रज के जो समृद्धि संपत्ति क्या है, दूध और दही है। ठाकुर जी चोरी भी किस चीज़ को करें, ग्वालियों के घर में थोड़ी ना सोना चांदी होगा, दूध और दही होगा, तो दूध और दही चोरी करने के लिए। तो गर्ग संहिता में एक गोपी का नाम बोलते हैं प्रभावती, तो इसने बता रहे हैं कि ये प्रभावती ना बड़े ही सुंदर अधोटा का दूध लेके कोरी मटकी में उसको मिष्टी दही जमाया है, मीठो दही, बड़ा चकाचक मीठो दही जमाया है। बोले इसलिए जमाया है कि ठाकुर जी आके इसको आरोगेंगे, कि ठाकुर जी इसको भोग लगवाएंगे। तो ठाकुर जी सर्वंतर्यामी है, तो ठाकुर जी धीरे धीरे क्या किए, बोले चलो आज दही चोरी करते हैं। तो ठाकुर जी दही चोरी करने के लिए प्रभावती के घर में जाते हैं ठाकुर जी, और धीरे धीरे इधर उधर देखते हैं, देखते हैं कि कोई नहीं है। तो जैसे ही देखे कि सुगंधित दही का खुशबू आ रहा है, तो स्वयं ठाकुर जी अंदर धीरे चलते चलते अपने कर कमलों में श्री ठाकुर जी दही को लेके आरोपना शुरू करते हैं। और इतने बीच में गोपी दबे पावन में धीरे 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 आके ठाकुर जी को कलाई को पकड़ लेता है। अब ठाकुर जी भोले बन गए, बोले मैया मेरे हाथ को क्यों पकड़ रहे भैया हो, कि मेरे हाथ को क्यों पकड़ रहे हो। तो ब्रजगोपी बोल रहे, अरे मैं मैया नहीं हूँ, भोले मत बनियो, मैं मैया नहीं, मैं यशोदा नहीं हूँ। अच्छो मुझे तो लगा ये तो मेरे नंद भवन है, और मैं अपने घर के धोखो तेरे घर में आ गए। तो गोपी बोलते हैं, देखो मेरा घर तुम्हारे घर में क्या भेद है, जो तुम्हारा घर मेरा घर, अपने के घर में बा को अपने घर ही समझो, और अपने घर में संकोच का बताओ लाला। तो ठाकुर जी प्रसन्न हुए, हंसने लगे। तो ये ब्रजगोपी बोल रहे, अच्छा जय जय प्रभु, आप कृपा करके मेरे घर में आए, मैं तो यही मेरे हृदय में इच्छा था कि आप आओ और ये मिष्टी दही को आरो, फिर यहाँ आप तो अच्छे, बड़ा अच्छा बात है कि आप तो आ गए, लेकिन यहाँ एकांत में बैठकर कहाँ कहाँ कर रहे हो। तो ठाकुर जी बोल रहे, देख गोपी मैंने विचार किया कि इतना सुगंध दही तुमने जो बनाया है ना, बाप चीटी लग गए, और मैंने विचार किया कि तू अकेली गोपी घर के सारे काम को देखे, और कहाँ कहाँ काम को तू देखेगी, बड़ी बुरी गोपी, इसलिए मेरे मन में विचार आया कि चीटी को सबको हटाने की बातों में यहाँ पे बैठ गए। अच्छो तू तो बड़े समझदार निकले, बड़े चीटी हट गए, चीटी निकाल दिया, कहाँ है चीटी, मैं का धरे खड़े हो, चीटी गए घुस गए अपने अपने बीलन में, मैं धरी नहीं खड़ी, चीटी गए सब। अच्छा चीटी भाग गए। तो ठाकुर जी हंसने लगे। अब इतने में ठाकुर जी बता रहे हैं, गोपी पूछ रहे हैं कि देखो, अरे बताओ लाला जरा, चीटी बिंदुए के भाई तुम्हारे जो हाथों के अग्र उंगलियों के अग्र भाग में दही लगना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पूरा का पूरा जो हाथ दही में सांग कैसे रहे हो, ऐसो कैसे। तो ठाकुर बोल रहे, देख गोपी मेरे मैया ना, ये यशोदा मैया, ये मेरे हाथ में ये पद्मराग मणि का इतना सुंदर खड़ोला धारण करवा रखे है, तो ताय को सूरज के किरण से उत्तप्त हो गए, जलन होने लगे, और ताको बुझावे के बाकी मैंने दधी के मिट्टी के अंदर हाथ घुसाए हो। अच्छा बात है, तुम्हारे जलन शांत हो गए हो। अच्छा अब बताओ जरा लाला, ये तुम्हारे अधर पे कैसे दही लगाए, मुँह पे कैसे दही लग गया। अरे प्रभावती तू तो पूरा बोकेलन जैसे बात कर रहे भाई हो, हाँ
पूछे जा रहे। देखो मैंने जैसे ही चीटी भगा रहा था ना, एक चीटी मेरे हाथ में धीरे 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 हाथ से ऊपर उठते घुसे जा रहा है और मेरे मुखरम पे आ गए। और मेरे मुखरम पे जैसे ही चीटी को हटाया तो होटन पे दही लग गए। अब जैसे ही होटन पे दही लग गया, बोले भाई गोपी तू भी बता जरा, दही जैसा अमृत वस्तु और तुम्हारे जैसे प्रेमियों के हाथ में अधोटा दही का इतना सुंदर बनाए हुए हो तुमने, अब बताओ जरा मुझे गोपी कि चाटने में कोई शास्त्र में भले बुरा लिखाएगा कहाँ पे दोष पात लिखाएगा। इतने बोल के ठाकुर जी दही चाटने लगे। गोपी तो देख के रह गया। देखो यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं विशेष करके, क्या शिक्षा दे रहे हैं कि ठाकुर वस्तुग्राही नहीं है, ऊपर उठा नीचे कर, ठाकुर जी वस्तुग्राही नहीं है, वस्तु को दही को खाने के लिए नहीं आए, ये तो गोपियों को प्रेम के भूखे हैं, भक्त वत्सल भगवान वस्तु वत्सल भगवान नहीं है। तो देखो यहाँ पे गोपी तो देखने लगा ठाकुर जी को, उसके मन विवोर हो रहा है, तो इसको बता रहे हैं कि हृदय प्रीति मन वचन कठोरा देखत नयन आंचल विभोरा। बता रहे हृदय में तो प्रीत है ठाकुर जी के लिए, लेकिन वचन कठोरा, बोलते बड़ी तेज। तो गोपी बोल रहे अच्छा मेरे मटकी को खराब कर दे और मुझे बातें बनाए लगे हो तुम। तो ठाकुर जी बिगड़ गए, बोले देख गोपी मौको तेरे दही अगर आरोपने में अच्छा ना ही लगे तो तुम्हारा जो बोले ले। ठाकुर जी ने झट करके गोपियों का आंचल को खींचा और अपने मुखड़े और करकमल को पोंछ लगा दिया, पोंछा कर दिया, पोंछ दिया उसने। अच्छो मेरे चुनरी भी बिगाड़ दियो, अच्छो मेरा चुनरी बिगाड़ दियो, अब तो तुझे मैया के पास ले जाऊंगा, मैया को तुझे देके शिकायत करूंगा कि हमारे ब्रजगोपियों के घर में थारे लाला आके चोरी माखन मित्री दही चोरी करता है। तो इतने सुनते ही ठाकुर जी तो डर गए, भाई सच में ले जाएगा। बोले हाँ गोपी तेरे हाँ खाऊं, तेरे पावन पढ़ू, तेरे लंबे ढोक दूं, देखो मैया के पास मुझे मत ले जाइयो, मैया मुझे भली बुरी कहेगी और बोलेगी देखो हमारे घर में 9 लाख गाय हैं और 9 लाख गाय का तो छाछ का तो बात ही क्या है, और छाछ कुंड है नंदगांव में, अभी भी हम देखते ना छाछ का तालाब है। इस प्रकार दही अगर चोरी करने के लिए अगर तुम पकड़ा करके मैया के पास ले जाओगे ना, मैया बोलेगी कि ये कुछ ना कुछ गलत भली बुरी बड़ी बात कहेगी, देखो तेरे घर के सबरे काम तो चाहे मैं छुपा कराइयो, मैं सारे काम कर लूंगा लेकिन मैया के पास मत ले जाइयो। तो गोपी बोलते देखो इतने अगर लास्ट शर्म तुम्हें बची है तो ब्रजगोपी के घर में काहे के लिए दही चुरा रहे हो तुम। अच्छा तो ठाकुर जी गुस्से में आ गए, देखो मेरे इच्छा के बगैर तुम मुझे नहीं ले जा सकते। अब गोपी ने ठाकुर जी को हाथ को पकड़ लिया। अब ठाकुर जी ने बोला देखो मेरे इच्छा के बिना तुम मैया के पास मुझे नहीं लेके जा सकते। तो जैसे ही ठाकुर जी के हाथ को पकड़ा ना, ठाकुर जी ने अपने पीताम्बर को निकाला। अब ठाकुर जी थोड़ी ना हार मान गए और कमर में उसको लपेट दिया पूरा, और गोपियों की तरफ ऐसे देखने लगे, बोले ले देखो नहीं ले जाओगे मुझे। तो गोपी बोले ले गई तो बोले देखते हैं काहे के हार और काहे का जीत। तो गोपी ब्रजमंडल में ठाकुर जी को हाथ को पकड़ करके खींच के ले जा रही है। तो ठाकुर जी गोपियों का उस प्रभावती का लड़के को, उसका एक छोटा सा लड़का था, उसको बुलाए, बोले आओ मेरे साथ चलो। तो जैसे ही ठाकुर जी ने उसको साथ में लेके चले और ये प्रभावती को हंसते हुए बोले अरे प्रभावती देखो तू कैसे शेरनी के जैसा चले जा रहे हो, अरे जरा शर्म तो कर, तारा जेठ है तारा ससुर है सबके सब बापो नंद भवन के आंगन में बैठे हुए हो, तू ऐसे शेरनी के जैसे चली जा रही है घूंघट लंबो कर ले। बात तो सही किया इसने, घूंघट लंबो कर लिया। अब ठाकुर जी थोड़े देर में बता रहे देख गोपी मेरे हाथ तो इतने कोमल कामल है और तुम कहाँ के बिलन में काम करते हो, खेती बाड़ी करते हो, गाय के दूध दूहते हो, इतना कठोर हाथ और इतना कस के पकड़े हो, एक काम करो अभी अभी तो मैंने इस हाथ जल रहा था इसको बुझाए हुए के ताए मैंने दही के मिटकी के अंदर हाथ को डुबाया था, अब ये शांत नहीं हुआ कि तुम मेरा हाथ को फिर से पकड़ लिया, मेरे दूसरे हाथ को जरा पकड़ो। तो जैसे ही प्रभाव उसको क्या वो ठाकुर जी को स्वयं हाथ को पकड़ा है तो उसके हृदय में भावित प्रकार का उसके हृदय में भावित कृष्ण की बात को सुन के कृष्ण जैसे बोलने करती जा रही
जैसे ही ठाकुर जी को हाथ को छोड़ा, ठाकुर जी ने झट करके उसके अपने बेटे के हाथ को भी ठाकुर जी ने प्रभावती के हाथ में पकड़ा दिया और झट करके तुरंत दौड़ करके नंद भवन के पीछे की तरफ जाके ठाकुर जी बैठ अपने यशोमती मैया के भवन पे अपने खटिया के ऊपर सो गए। और सो तो गए और उठने की जैसा एक्टिंग कर रहे बोले ठाकुर जी जोर जोर से रोने लगे। अब यशोमती मैया बोले बोले लाला का हुए हो, काहे रो रहे हो? तो ठाकुर जी बता रहे हैं मैया आज शरीर कुछ ढीलो ढालो है, मन कुछ अशांत है। तो यशोमती मैया बोलते हैं देखो लाला मुझे तो लगा कि तुम ब्रजगोपियों के साथ सखाओं के साथ खेलन खिले गए हो। तो ठाकुर जी बोलते हैं नहीं नहीं मैं तो आज कहीं घर से निकला ही नहीं, मेरा शरीर तो बड़ो ढीलो ढालो है। बोले रो रहे हो काहे किस लिए? तो बोल रहे हैं कृष्ण बोल रहे हैं मैया माँ को भूख लग रही हो। बोले ले काना ले माखन मिश्री खाओगे, माखन रोटी खाओगे? बोले ठाकुर जी खाने लगे। इतने बीच में लंबी घूंघट करके अपने बच्चे को लेके प्रभावती आ गई। बोले ओ यशोमती मैया देखो आज रंगे हाथ पकड़ के लाया हूँ, तू हर समय बोलते हो ना रंगे हाथ पकड़ के लाओ, रंगे हाथ पकड़ के लाओ, देखो मैं रंगे हाथ पकड़ के लेके आया हूँ कृष्ण को। जैसे ही कृष्ण को बोलते हैं देखो यशोमती मैया बाहर आके देखती है, देख के बोलते बोले क्या हो मैं? तो बोलते देखो तेरे छोरा को रंगे हाथ पकड़ के लेके आया हूँ मैंने, हमारे घर में दही मिश्री माखन चुरा रहा था। तो यशोमती मैया तो सब देख रहे हैं कि उसके ही छोरा है। तो यशोमती मैया अंदर से जोर से आवाज लगी बोले कन्हैया। और इतने में ठाकुर जी एक हाथ में माखन मिश्री लेके जैसे सोके उठते ना बच्चे, आँख को ऐसे मटक मटक करके रोते हुए ठाकुर जी धीरे 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 अंदर से बाहर आए नंद भवन से। तो बताओ ये तुम्हारे तुम चोरी करने गए थे क्या? कृष्ण से पूछ रहे यशोमती मैया तुम चोरी करने गए थे? तो यशोमती मैया के बात सुन के बोल रहे देख मैया ये ब्रजगोपी हो ना हर समय मेरे कुछ ना कुछ खिंचाई करते हैं और कुछ ना कुछ खिंचाई करते हैं, चोरी किया इसके छोरा ने और निजाम मुझ पे लगा रहा है, देख मैं कितना भोले भाले। ताको बताया कि मैं आज तो मेरा शरीर अस्वस्थ है, मैं तो घर से आज निकला ही नहीं, मैं तो कहीं गया ही नहीं और मुझे बता रहे हैं चोरी। अब ब्रजगोपी का दिमाग में आया प्रभावती का अरे कृष्ण सामने से बोल रहा है तो मेरे हाथ में कौन है? जैसे ही घूंघट उनको अंदर में ले जा, वो अंदर में उधर प्रभु जी आपको खड़ा किसी ने किया? इधर किसका आने नहीं देना भला, वो घर का अंदर भी जाए, घर में बहुत सारी जगह घर घर में बैठे। प्रभु जी आपको किसी ने खड़े किया है? सबको उसी घर में, सब उसी घर में, इधर किसको आने नहीं देना। माखन चोर भगवान की। तो प्रभावती ने तुरंत ही घूंघट उठाया, देखा कौन है हाथ में, उसके ही बेटा है। एक लगाया पूरा, क्यों लगाया? तो उसने रोने लगा उसके बच्चे, तो क्यों पिटा? तो इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं ये ब्रज गोपी का स्वभाव है, गोपी अपने और कृष्ण के अंदर में, अपने और कृष्ण के बीच में किसी दूसरे को, अपने पति और अपने बच्चे को, किसी संसारिक व्यक्ति को भी सहन नहीं करती, ये तो हर समय कृष्ण प्रेम में भी हो रहते हैं। अब इसमें प्रश्न आता है कि कृष्ण को हाथ को पकड़ के ले जा रहे थे और जैसे कृष्ण ने अदला बदली कर ली, क्या गोपी को पता नहीं चला? तो बोल रहे जो भक्त, जो प्रेमी भक्त स्वप्न में भी ठाकुर को दर्शन करके विभोर हो जाते हैं, रोने लगते हैं, ये ब्रजगोपी का अहो धन्य है, ये तो स्वयं ठाकुर जी को माखन मिश्री खिला रहे हैं, स्वयं ठाकुर जी को हाथ पकड़ रहे हैं। इस प्रकार उनके विचार होगा क्या, उनके दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो प्रेम से विभोर हो रहे हैं। तो इसी प्रकार बहाने में जैसे ही बोलते हैं तो वो बच्चा रोने लगता है। तो नंद यशोमती मैया बोलते हैं दही मिश्री दे के फिर इस बात को वहाँ पे बंद कर देते हैं। अब कृष्ण बोलते हैं देखो जो बच्चा रोया था ना उसको बोलते हैं बाप को तू रोए मत, तुम्हारे तुम मेरे नाक बचवाने के लिए तुमने मेरे सहायक किया है, सहायक किया है, इसलिए अगले घर में जहाँ पे चोरी करेंगे ना सबसे पहले जो उद्घाटन ना तुम्हारे हाथ से करवाऊंगा, तुम रो मत। खुश हो गया भाई मेरे हाथ से उद्घाटन होगा, मुझे माखन मिश्री मिलेगा। जैसे ही प्रभावती जा रही थी दूसरे और इधर से ठाकुर जी चिपके से पीछे रास्ते पे गए और बोल रहे हैं अरे प्रभावती समझ में आ गया, दिमाग में आ गया तुम्हारा, समझ लिया तुमने, देखो इस बार तो मैंने क्या किया,
धोखे से तुम्हारे बच्चे का हाथ को पकड़ा दिया, अगले बार थारो घर दही चुराने वाको आऊंगा, और अगले बार अगर तुमने अगर दिखाने की कोशिश किया तो अगले बार तेरे खत्म को हाथ पकड़ा दूंगा। तो बता रहे किस प्रकार गोपी इस प्रकार प्रेम से ठाकुर जी दही चोरी लीला करते हैं। और एक लीला जहाँ पे ठाकुर जी दूध पयो हो दूध चोरी करने के लिए जाते हैं, ये ब्रज गोपी बोलते हैं कृष्ण बड़े चतुर। तो कृष्ण बोलते हैं भाई, ब्रज गोपी बोलते हैं हम भी कम नहीं, हम भी ऐसे ऐसे जगह दूध को रखेंगे जहाँ पे कृष्ण को मिलेगा नहीं। तो कृष्ण बोलते हैं बोले गोपी तू जो थारे जैसे चतुर है ना तुझसे दस गुना चतुर मैं हूँ, चोरी करने में मैं अग्रगण्य हूँ, मैं चोरी कर ही लूंगा चाहे तो कैसे भी करके रख लो। अब देखो ब्रज गोपी ने चिंता किया कि बड़े से एक पूरा रबड़ी जैसा लाल करके एक दूध पूरा उसके ऊपर पूरा उसका जो चिकनाई हो गए उसमें मिश्री डाल के पूरा अच्छे सुंदर से दूध और दूध को सीके के ऊपर सीके समझ रहे सीके के ऊपर दूध को रख दिया। अब उसी दूध में एक घंटा बड़ा घंटा को लटका दिया। अब जैसे ही कृष्ण दूध को सीके को निकालेंगे सीके हलने लगेगा, और जैसे ही हलने लगेगा तो उसको जो कनेक्टेड है वो घंटा भी हलने लगेगा तो पकड़े जाएंगे कृष्ण। अब इतने में कृष्ण गए चोरी करने के लिए, ब्रज गोपी सब चुपके खड़े हैं। तो जैसे ही कृष्ण जाते हैं देखते हैं भाई ये घंटा है, ये घंटा सीके के साथ लगा हुआ है, ये ब्रज गोपी है कोई नया सांग है, ये घंटा को पहले बनाना पड़ेगा, ये अगर बच गया तो पक्का मैं पिटा जाऊंगा आज, पक्का पकड़ा जाऊंगा। तो कृष्ण घंटा को बोलते बोले देख घंटा तो किस चीज में यूज होता है, किस कार्य के लिए तुम्हारा आविर्भाव मतलब ये हुआ है, बोले प्रभु आपके सेवा में। तो बताओ सेवक कौन है सेव्य कौन है, तो आप सेवक हो और मैं आपके सेवा करता हूँ, बताओ कौन किसका आदेश मानेगा, प्रभु आप आदेश करो मैं आपका आदेश पालन करूंगा, प्रभु आप सेवक हो मैं आपका दास हूँ। तो देखो जब तक मैं ठाकुर जब तक मैं ये दही दूध को पूरा पूरा ना पी के इसको मटकी को ना तोड़ दो ना तब तक तुम बजना नहीं, बोले जो आज्ञा प्रभु। तो ठाकुर जी एक के ऊपर एक के एक के ऊपर एक सखा को रख दिए और ठाकुर जी सबसे ऊपर उठ गए और ठाकुर जी अभी दूध को पीना शुरू कर रहे हैं। अब देखो जैसे ही ठाकुर जी ऊपर उठ रहे हैं दूध को छू ही नहीं पा रहे इतने में ठाकुर जी क्या किया कि ये दूध को निकालना बड़ा मुश्किल होगा, इतना बड़ा मटकी में दूध है इसको निकाल नहीं सकते ठाकुर जी। तो इसमें क्या किया नीचे से अपने जो पद्मराग खड़ूला जो था उसे खड़ूला से क्या किया मार दिया पूरा जोर से, जैसे ही मार दिया ना तो उसमें एक छेद हो गया और छेद हो गया तो जैसे ही छेद हो गया ठाकुर जी मुंह ऐसे आ करके दिखाए थे और धीरे धीरे उसमें दूध गिरने लगा और इसको हिला रहे हैं जोर से सीके को, तो कुछ दूध तो ठाकुर जी के मुखड़े पे जा रहे और कुछ दूध ठाकुर जी के सर के ऊपर से जा रहे शरीर में जा रहे। तो इतने में घंटा टंग 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 बजने लगा। तो ठाकुर जी बोलते भाई तू तो बेईमान निकला, मैं तुम्हें पहले से ही पटा रखा था तू मत बजना, हाँ तू अब बज रहे हो। बोले प्रभु जब मंदिर में होते हैं ना मैं दो चीज में यूज करता हूँ, देखना घंटा कब बजाते हम, जब अभिषेक करते हैं और जब ठाकुर को भोग लगाते हैं। तो प्रभु एक साथ यहाँ पे दो लीला हो रहा है, आपका अभिषेक भी हो रहा है दूध से और आपके दूध आरोग्य रहे हो, बताओ मैं कैसे नहीं बजू। तो इतने में ब्रजगोपियों आते हैं और कृष्ण को पकड़ लेते हैं, कृष्ण को जैसे ही देखते हैं तो वहाँ पे तुरंत सब छोड़ छाड़ करके भाग जाते हैं। तो इस प्रकार विशेष विशेष लीला करते हैं कृष्ण। देखो श्री मखन चोर भवानी जय जय श्री अंग्रेजी लड़का है लग रहा है, अंग्रेजी ना भारतीय है, अरे बोलो कहाँ के, ये अंग्रेजी है लेकिन ये अंग्रेजी ने लेकिन हमारे भाषा को पढ़ा हिंदी को पढ़ा पढ़ करके उसने हिंदी में कोशिश किया हिंदी सीखने के लिए,
इसलिए अभी देखो एक अंग्रेजी, लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं ना, अंग्रेजियों का अनुकरण करें, उनका खान पान रहन सहन को हम अपनाने के लिए। लेकिन देखो ये लोग विदेश से होकर के, देखो इनकी गले में तुलसी कंठी देखो, तिलक देखो, चोटी देखो, ये धोती पहने, ये धोती पहने, फिर अपना भाषा को, अपना हिंदी भाषा को सीख करके हिंदी भाषा बोले हैं। इसे देखो ये कैसे हिंदी बोलते हैं, देखो ठीक से हिंदी बोले। अज्ञान से निरंजस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद। एक बार सभी हाथ उठाकर बोलिए, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर करके बोलो हरे परमाराधितम श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत को भी दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों का आश्रय लेते हुए यहाँ पर उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी हरिकथा श्रोत मंडली सभी के चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम। अभी हम श्रवण कर रहे थे किस प्रकार भगवान कृष्ण ने ब्रज के अंदर अघासुर बकासुर इत्यादि सब असुरों का वध किया। एक समय बलराम ने, जब कृष्ण अपने सखाओं के साथ घूमते घूमते तालवन में गए, तो बलराम जी ने धेनुकासुर का वध किया। वह धेनुकासुर एक गधे का रूप धारण करके आया था, कंस द्वारा प्रेरित होके एक गधे का रूप धारण करके आया था। जब ब्रजवासी सब सखा अपने घर को गए हैं, तो मैया यशोदा के सामने कृष्ण आज जाकर कहते हैं, बोले मैया री सुन, आज का भयो? बोले का भयो लाला? बोले आज तो दाऊ भैया ने कमाल कर दिया। मैया सोच रही है कि मैया यशोदा भी यहाँ पर सोच रही है कि हो सकता है दाऊ भैया ने कोई बड़ा भारी काम किया था। दाऊ भैया भी सोच रहे हैं भैया लाला तो आज हमारे पक्ष में बोलेगा। यहाँ पर कृष्ण कहने लगे, भैया आज तो दाऊ ने बड़ा कमाल कर दियो। बोले का कमाल कर रहे हो, बोल तो। बोले आज दाऊ ने एक गधा मार दियो। बस इतना सुनने मात्र सही तो दाऊ भैया लाल पीले हो गए। सारे सखा वहां हंस रहे हैं, मैया यशोदा भी हंस रही है। बोले दाऊ तू के पूरे ब्रज में गधे मारते फिरो है, हैं? का भाई वास्ते ने गधो मार दियो? यहाँ दाऊ भैया बड़े क्रोधित होकर वहां अभिनय कर रहे हैं, जैसे कृष्ण के विपक्ष में होके कहते हैं, बोले मैया कल से ये और मैं हम साथ में नहीं जाएंगे, तू अपनी अलग टीम बना, मैं अपनी अलग टीम, हम इसके साथ में गौचारण के लिए नहीं जाएंगे। कृष्ण को अभी भगवान कृष्ण क्या चाहते हैं, अकेले ही कार्य का वध करना चाहते हैं, इसी कारण से वो बलदाऊ जी को साथ में नहीं ले जाएंगे। तो इसीलिए श्री बलराम जी की जन्मतिथि उपस्थित हुई है। मैया अभी बलराम से कहती है, बोले दाऊ तू चिंता मत कर, कल तेरी जन्मतिथि है, तेरे ताई में बढ़िया पकवान बनाऊंगी और तुझे यही में बढ़िया भोग खिलवाऊंगी। तो कृष्ण अभी अगले दिन गौचारण के लिए जब गए हैं कार्याहृद की तरफ, यमुना जी से जल की एक धारा अलग होती हुई और एक हृद बन गया था जहां पर कालिया वास करता था। वो पानी इतना विषैला था, पानी उबलता था और उस पानी के ऊपर से आकाश मार्ग से भी कोई पक्षी तक भी नहीं गुजरता था। यदि कोई पक्षी भी गुजरेगा तो वो भी जहर के ताप के कारण मर के और उसमें गिर जाता। वहां के आसपास के सारे पेड़ पौधे सभी सूख गए थे, केवल मात्र एक वृक्ष था वहां पर, एक कदम का वृक्ष था। अभी प्रश्न उठता है, वहां पर से भी एक वृक्ष कैसे रुक गया? तब इसकी कथा सुनाते हैं कि एक समय गरुड़ जी अपनी माता को दासी पद से बचाने के लिए क्या किया, वो अमृत कलश लेकर जा रहे थे और अमृत कलश ले जाते वक्त ही उन्होंने चार जगह पर यह अमृत कलश रखा, जहां चार जगह जो कुंभ होते हैं, कहां कहां पर? वृंदावन, हरिद्वार, प्रयाग और नासिक, ये चार स्थान। तो इन चार स्थानों पर उन्होंने जो अमृत कलश रखा था, उस अमृत कलश के प्रभाव से ही उस स्थान पर कुंभ होता है। तो एक जगह वृंदावन में जहां पर उन्होंने ये कलश रखा था, ये वही स्थान है कालियाहृद। तो वहां पर इस कदम्ब वृक्ष के ऊपर उस अमृत का स्पर्श होने के कारण वह कदम्ब वृक्ष, उस पर विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वह अभी भी वहां पर स्थिर था। अभी जैसे ही गौचारण करते करते गैया और बछड़े ये जैसे ही कालियाहृद के पास में पहुंचे हैं, उस समय पर विष के प्रभाव से सभी मूर्छित हो गए। मूर्छित होते ही भैया कृष्ण वहां पर देखने लगे कि सखाओं की अवस्था खराब होगी।
कृष्ण ने क्या किया, अपनी अमृतमय दृष्टि से सभी को पुनः जीवन दान दिया। अभी कृष्ण ने तो उस पेड़ के ऊपर चढ़ के और कार्यादित्य के अंदर छलांग लगाई है, जो छलांग लगाई इतना ऊपर तक पानी उठाए, 400 योजन ऊपर तक पानी उठ गया और कार्यादित्य के अंदर कृष्ण पहुंच गए हैं। कालिया वहां पर विश्राम कर रहा था, कालिया सो रहा था, लेकिन कालिया की पत्नियां, कालिया पत्नी, ये जो नाग का वंश है, ये नाग वंश शुरू से ही भगवान का भक्त रहा है। ये कालिया की पत्नियां, ये भी भगवान की भक्त थी। जब उन्होंने देखा कि इतना सुंदर बालक, इतना सुकोमल बालक और इस विषैले हृदय के अंदर आया, तो आया कैसे और अब तक जीवित कैसे है, इसको देखते हुए तो बड़े आश्चर्यचकित हो गई। उससे बोलने लगी कि भैया तुम यहाँ से चले जाओ, शिशु बालक तुम यहाँ आए कैसे, और हमारे पति अभी सो रहे हैं, इसलिए तुम्हारा सौभाग्य है, तुम यहाँ से चले जाओ। कृष्ण भी वहां पर कहने लगे, बोले जगाए दो, हम तो उन्हीं से मिलने को आए रहे। अभी इतने सुनने मात्र से ही तो कालिया जग गया था। कालिया जैसे ही एक छोटे बालक को अपने सामने देखा, वे समझ गए कि ये कोई साधारण बालक तो नहीं, क्योंकि जिस हृदय के ऊपर से एक पक्षी भी नहीं गुजरता, वहां पर एक शिशु बालक अंदर तक प्रवेश कर गया है। कालिया ने क्या कहा उससे, युद्ध करने के लिए, कृष्ण के साथ युद्ध करने की इच्छा से सामने आकर हुआ गया। कृष्ण ने अभी बोला, भैया तुम्हें मैं पहला मौका देता हूँ, बाद में ये मत कहना कि मुझे चांस नहीं दिया, इसलिए तुम पहले प्रहार कर लो। अभी कालिया ने तो क्या किया, अपना शरीर, उसके 100 फण थे, कालिया ने अपने शरीर से पूरे कृष्ण के चारों तरफ लिपट गया और लिपट के कृष्ण को पीसने की चेष्टा कर रहा है। इतने में क्या हुआ, सारे सखाओं ने जाके यशोदा मैया और नंद बाबा को कह दिया कि कृष्ण ने कालियादित्य में गोता मार दिया है। उस समय पर तो सारे ब्रज में इतने अपशगुन सब देखने को मिलने, सारे आकाश काले मेघों से भर गया, बिजली कड़कने लगी, सब कुत्ते सियार चित्कार कर रहे हैं, खून की बारिश होने लगी है, और मैया यशोदिया तो रोते रोते सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े आ गए हैं कालियादित्य के ऊपर। जैसे उन्होंने देखा कि कृष्ण को कालिया ने पूरा लपेट लिया है, और वहां पर मैया यशोदा तो मूर्छित होकर गिर गई। सारे ब्रजवासी क्रंदन कर रहे हैं, क्योंकि सब ब्रजवासियों का प्राण कृष्ण है, कृष्ण ही सब ब्रजवासियों का प्राण है, वे उनसे सबसे ज्यादा प्रीति करते हैं। अभी बलराम जी जब यहाँ पर आए हैं, बलराम जी मन ही मन विचार कर रहे हैं, बोले कन्हैया क्यों तुम ये टाइम पास कर रहे हो, अरे तुम्हें यदि सर्प के साथ खेलने की इच्छा है, मैं अनंत रूप में सर्प रूप में ही तो हूँ, मेरा अनंत श्रेष्ठ जो रूप है तुम उसके साथ खेलो, कहाँ तुम एक छोटे मोटे सर्प के साथ में खेल के समय नष्ट कर रहे हो, देख तेरे प्रेम में ब्रजवासियों की क्या हालत होती जा रही है। जब कृष्ण ने देखा कि मेरे विरस में मुझे दुखी देखकर ब्रजवासी पीड़ित हो रहे हैं, कृष्ण ने क्या किया, कब उस कालिया के चंगुल से छूट के अपने शरीर को फुलाया, और फुलाते फुलाते कब उस कालिया के चंगुल से छूटे, उसे उठाकर और यमुना के ऊपर उपस्थित हो गए हैं। कालिया के भी 100 फण थे, उसने तो जाके कृष्ण के मर्म को दर्शन करने लगा। जैसे ही उसको काटने लगा, इतने भगवान ने क्या किया, एक सर से दूसरे सर, दूसरे सर से तीसरे सर, तीसरे से चौथे सर, कालिया तो जितनी चेष्टा कर रहा था कृष्ण को प्रहार ही नहीं कर पा रहा था, एक सर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और देवता लोग आकाश में देख देख के बड़े आनंदित हो रहे थे। बोले कालिया ने पूरे ब्रज को विषैला कर रखा था, आज इसे इसका दंड मिल रहा है। प्रभु इतने सुंदर रूप में नृत्य कर रहे थे, साक्षात शंकर जी नटवर भी वहां पर उपस्थित होकर देख रहे हैं, बोले मेरे प्रभु का आज नृत्य देखो। बड़े बड़े नाचने वाले देखे हैं, कोई कांच के ग्लास पर नाचता है, कोई कीलों पर नाचता है, कोई परात को लेकर नाचता है, कोई सर में कलशी लेकर नाचता है, लेकिन क्या सर्प के ऊपर नाचने वाले कहीं देखे हो, सर्प के ऊपर किसी ने आज तक नृत्य नहीं किया। सूरदास जी ने तो इतना सुंदर पद वहां पर रचना किया है, कहते हैं तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, 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 पम 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 भगवत कट 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 भगवान की। सूरदास जी का सुंदर वर्णन करते हैं इस पद के अंदर कि प्रभु क्या सुंदर नृत्य कर रहे हैं कालिया के सर्प के ऊपर, और जैसे ही प्रभु के ठोकर पड़ रहे थे कालिया के सिर के ऊपर, उसका जो सारा अभिमान था सब अभिमान चूर चूर हो गया। उसको अभी स्मरण आने लगा कि
कि मेरी पत्नियां जो कृष्ण की महिमा गाती थी एकदम ठीक कहती थी, यह कोई साधारण बालक नहीं, ये तो साक्षात भगवान है। और उसके पर सिर पर जैसे जैसे प्रभु के पैर पड़ रहे थे वैसे वैसे उसका मुख तो लहू लुहान हो रहा था। सोच रहा था ये कि अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का सारा भार मेरे सिर पे किसी ने रख दिया। अभी सारी यज्ञ पत्नियां, सारी नाग पत्नियां वे आकर और कृष्ण से प्रार्थना करने लगी। कृष्ण से प्रार्थना करने लगी कि इसलिए जिस समय भगवान नृत्य कर रहे थे ना, वो काली का जो पत्नी दूर से देख रही थी लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी। बोले क्यों नहीं बोल रही थी? मेरे कारण है उसका जो पति है ना वो भक्ति नहीं करता था, भजन नहीं करता था। भक्ति तो करता नहीं, भजन तक नहीं करता, पर पत्नियों जो भक्ति करते थे उसमें भी कभी कभी टांग रहता था। इसलिए यहाँ पर श्री श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जिनके प्रिय ना राम वैदेही तेजी और कोटि वैरी समझते भी परम सने। आप लोग इंदिरा का नाम सुने हो? कौन कौन सुने इंदिरा का नाम सुने हो? ये इंदिरा जब भजन करती थी, इसका पति, इसका देवर, इनकी सास, ननद, यहाँ तक भी गांव के कुत्ता तक भी इसको पीछा नहीं छोड़ा, सब इसको विरोध हो गए। ये दुनिया बड़ा विचित्र दुनिया, बेटा अगर शराब पिए ना देखना दुनिया कुछ नहीं बोलता, जुआ खेले, लड़की बाजी करे, कोई कुछ नहीं करता है। लेकिन अगर थोड़ी सी प्रभु का भजन में लग जाए, प्रभु की भक्ति करने लग जाए, हैं भले ये कोई उम्र तेरे भजन करने का, बड़ा जगह तो विचित्र जीवन है। इसलिए जब मीरा जी को जो उन्होंने बहुत विरोध किया मीरा जी की, इतने में लास्ट में मीरा जी इतने दुखी हो गई, कहते राणा ने भेजा 20 का प्याला, लास्ट तक उसको मारने के लिए भी उन्होंने कोशिश की जान से, लेकिन उसने गिरधर को भोग लगाए मगर खाती नहीं, भोग लगाए तो जहर क्या हो गया, वह अमृत बन गया। जब अमृत बन गया आश्चर्य बढ़ गया, फिर उसको सांप की उन्हें पेटना में सांप भेज दिया, बोले टांस दे इसको। लेकिन उसकी भक्ति की इतने प्रभाव थी, वो पेटरा खोला तो जो सांप है ना वो सालग्राम बन गया, सालग्राम बन गया। जो तरह तरह से उनको मारने के लिए कोशिश की, लास्ट में उसने श्री तुलसीदास के पास में पत्र लिख के बोले प्रभु अभी बता मुझे क्या करनी चाहिए, मेरा पूरा परिवार विरोध है, कोई भक्ति करते नहीं, भक्ति करने भी नहीं देते। फिर उसी समय में श्री तुलसीदास जी के पत्र लिख दिए, ये पत्र का लिखना है बोले जिनके प्रिय ना राम वैदेही तेजी और कोटि वैरी समझ यद्यपि परम स्नेह, यद्यपि ये परम स्नेह की बात रहे, अगर भगवान की भक्ति में प्रतिकूल है राम सीता जिनके प्रिय नहीं, इनकी करोड़ों शत्रु मान कर त्याग दे इसको। बोले प्रमाण कोई है? बोले तेजत पिता प्रह्लाद, उन्होंने उदाहरण दिया, प्रह्लाद ने पिता को त्याग दिया क्योंकि विरोध करता था, भरत ने अपना माँ को त्याग दिया, बोले सीताराम को तुमने वनवास दे दिया, कभी तेरे को मैं माँ नहीं बोलूंगा, त्याग दे दिया, विभीषण ने रावण को समझाया, समझा नहीं तो भैया को त्याग दे दिया है, इसलिए बलि महाराज अपना गुरु को त्याग दिया, गोपियों ने ब्रज अपना पतियों को त्याग दिया, जगत में इनकी जय जयकार हुआ। इसलिए इनकी जो पत्नियां थी वो दूर से देख रही थी लेकिन कुछ बोल नहीं रही, मुंह से खून उल्टी होते जा रही थी, वो सोच रही थी भैया लगता है तो मरने वाला मर जाए तो अच्छा ही है, क्योंकि एक तो भजन करता नहीं, फिर भजन करने वाला तो ही ये भक्ति करने, ऐसे पति का क्या जरूरत है, तो भक्ति करे नहीं, भक्ति करने नहीं दे। इसलिए वो वहां से देख रही थी, जब देख रही थी लेकिन उसको याद आया, अरे मेरी पत्नियां कहती थी ये कृष्ण भगवान सचमुच से भगवान होगा, क्योंकि मैंने गरुड़ के साथ में युद्ध किया कुछ भी नहीं कर पाई, लेकिन ये 5-6 साल का बेटा मैं सर पर खड़ा हुआ, लगता है जैसे विश्व ब्रह्मांड मेरे सर के ऊपर आ गया। इतने में उसको मन मन में ना उसने शरणागत हो गया, मन मन जब शरणागत हो गया, इतने में शरणागत होने पर पत्नियों ने दूर से देख रही थी हैं ये करता है क्या, लेकिन जब उसने शरणागत हो गया अपना ईर्षा द्वेष छाड़ लिया, पत्नियों ने कहा ऐसे पति रहनी चाहिए, ऐसे पति रहनी चाहिए। कौन सा पति? जो पति भगवान की भक्ति में लग जाए। देखा इसका मन अभी बदल गया है, ठाकुर जी के चरण में शरणागत हो गया, सारे अभिमान इसकी चकना चूर हो गया है, क्योंकि ये जो काली पत्नी ना ये देखने में बहुत ही सुंदरी थी, इतनी सुंदरी थी इनकी, अगर इसकी पत्नी बहुत ही सुंदरी हो, पति अगर कम उम्र मर जाए पर क्या होता है, दूसरे पुरुष उसको बड़े बुरे नजर से देखना शुरू कर देते हैं, कहते हम तो देखने में बड़े सुंदर है, हमारा पति अगर चला जाएगा फिर दूसरा आकर के हमारे ऊपर में आक्रमण करेगा, अगर पति अगर पत्नी दोनों अगर भजन करते हो बस सोने में सुहागा है,
पटरी दोनों गाड़ी दो दो चक्के में गाड़ी चलती है ना, जिसका पति भी भजन करे, पत्नी भी भजन करे और बच्चे भी भजन करे ना, कहते घर घर नहीं, कहते वही घर ही वृंदावन धाम है, वही घर ही भगवान की धाम है। फिर उन लोगों ने फिर प्रकट होकर के भगवान को सुंदर उन्होंने स्तुति की, बोले प्रभु हमारी पति ने ऐसे कौन सा तपस्या किया जिन चरण को पाने के लिए ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद कठोर तपस्या करते हैं, लेकिन वो चरण को काली सोच रहा था कि मेरे सर के ऊपर चरण को हटा ले, लेकिन भगवान जोर जबरदस्ती दे रहे थे, इसने ऐसे कौन सा पुण्य किया जो इसने ठाकुर जी इनके सर के ऊपर चरण रखे। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, बोले इसको मैं नहीं मारूंगा, बोले क्यों नहीं मारूंगा, बोले तुम लोग भजन करने वाले ना भक्ति करते हो, जिसकी पत्नियां भक्ति करते हैं उसको पति को घर में भी कृपा करता हूँ, लेकिन इसके अंदर में जो घमंड हो गया था, ये अभिमान हो गया था, ये अभिमान को मैं दूर कर रहा था, अब ये अभिमान दूर हो गया, इसको मैं मारूंगा नहीं क्योंकि तुम्हारी भक्त है, बोले यहाँ से तुम रमण के द्वीप चले जाओ, हैं वहीं पर रह करके भजन करो। जब वहाँ चले गए ठाकुर जी अमृतमय दृष्टि से जमुना हरत को अमृत बना दिया, फिर भगवान की ये क्रीड़ा भूमि बन गई। बोले श्री काली नथन भगवान की जय, जय 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 देखो हम लोगों ने 7 दिन तक कथा सुने, कितना दिन तक कथा सुने, जोर से बोलो 7 दिन। देखो नियम है, जब हम कथा सुनते हैं ना कुछ देनी चाहिए और कुछ लेनी चाहिए, कहते दे किया और ले किया, बोले जितने गंदी चीज को छोड़ करके चले जा, बोले लो किया, बोले ठाकुर का प्रेम लेकर के जा, ठाकुर जी की भक्ति लेकर के जानी चाहिए, भागवत से कभी खाली हाथ से नहीं जानी चाहिए, कुछ ना कुछ ले करके जाओ। अभी प्रश्न है क्या ले और क्या दे, बोले गंदी चार चीज को छोड़ करके जाओ, गंदी चार चीज बताया भागवत में, ये चार चीज हमें छोड़ देनी चाहिए हैं। जैसे कोई तुम्हारी बीमारी, अगर किसी डॉक्टर अच्छे डॉक्टर के पास में जाओगे ना, वो डॉक्टर क्या बोलेगा, बोला देखो भैया दवा तो तेरे को बहुत बढ़िया दवा दे रहा हूँ, अगर तुम परहेज को साथ में दवा लोगे ना तुम्हारी बीमारी जल्दी जल्दी सही हो जाएगी, अगर आप बगैर परहेज का दवा लोगे तो फिर तो दवा बहुत दिन तक खाओगे लेकिन तुम्हारी बीमारी सही नहीं होगा। इसलिए दवा क्या है, भगवान कलयुग में सबसे सरल उपाय बताए, ठाकुर जी को पता है कलयुग का जीव ज्यादा कोई परिश्रम नहीं कर सकते हैं, ठाकुर जी सबसे सरल उपाय बताए भगवान का नाम जप करो, घर में जो कुछ काम करते हो ठाकुर को सेवा मान कर करो, अपना घर को क्या समझो, घर किसने दिया है, किसका घर है, ठाकुर जी का घर, भगवान ने ये घर दिया है, अपना घर को भगवान की मंदिर ही मानो, ठाकुर जी के मंदिर है, जैसे गोपियां वो भी घर में रहती थी, भागवत में जितने कथा सुनी है ना ध्रुव अम्बरीश प्रहलाद ये कोई त्यागी संत नहीं थे, सब गृहस्थ ही थे, लेकिन घर में रहते हुए भी संत थे, घर में रहते हुए भी संत थे, क्यों, भगवान की भजन करते थे, इसलिए जहाँ पर प्रभु की भक्ति करेंगे ना वही वृंदावन धाम है, वृंदावन धाम और कहीं नहीं, जिस घर में ठाकुर का सेवा पूजा भक्ति हो वही घर ही वृंदावन धाम बन जाता है। इसलिए गोपियों ने जो कुछ हाथ में करते थे कृष्ण सेवा मान कर करते थे, घर में झाड़ू लगाओ, देखो इतना चीज लेकर के जाओ घर में झाड़ू लगाओ तो कहाँ झाड़ू लगा रहे हो, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो, जैसे गोपियां हाथ में झाड़ू लगाती थी लेकिन मुंह में क्या करती थी, भगवान के नाम को जप करती थी। एक बार बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ठाकुर जी के नाम जप करती थी, हाथों में रसोई बनाती थी हैं, आप लोग छोंक दिए होंगे जीरा और मिर्च, देखना छोंक देती काला हो जाता है, लेकिन वो काले को देखकर किसको याद किया होता, काले का कृष्ण की याद आती थी, भगवान की याद आती थी, इसलिए रसोई बनाती थी, बोले क्यों रसोई बनाती थी, बोले ठाकुर जी को भोग लगेगा इसलिए रसोई बनाती, इसलिए आप भी रसोई बनाओ बढ़िया बढ़िया खाना बनाओ, लेकिन भावना क्या रहे, किसके लिए खाना बना रहे हो, किसके लिए बोलो, जोर से बोलो, यही पर बोलते ना घर में जाकर भूल जाओ, बोले खुद खाने के लिए करते हो, नहीं जो कुछ रसोई बनाओ ठाकुर जी के लिए, इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन भुंजन्ते तु अघम पापा
जे वचन भी आत्मा का नाथ है और जो जे व्यक्ति अपना लिए रसोई बनाते हैं वो केवल पाप भोजन करते हैं, लेकिन जो लोग मेरे लिए रसोई बनाते हैं और मेरे को भोग लगा कर खाते हैं वो अमृत भोजन करते हैं, हैं? इसलिए सुदामा का नाम अभी आएगा। सुदामा, ये सुदामा पहले गरीबी था, बाद में धनी बना। क्यों गरीबी था धनी बना? आप लोग टीवी में देखे होंगे जब कृष्ण सुदामा जंगल में जा रहे थे उसी समय में गुरु माता ने सुदामा के को चाना दिया था, बोले कृष्ण को दे कर खाइयो, लेकिन सुदामा ने क्या किया, कृष्ण को बिना दिए छुप छुप कर खाया, देखे कि नहीं टीवी में, लेकिन इसलिए क्या बना, ये गरीब बना। लेकिन धनी कब बना, जब ठाकुर जी के लिए दो मुठ्ठी चिड़िया लेकर गए, ठाकुर जी दो मुठ्ठी खाए तो त्रिभुवन का राज्य देगी। शिक्षा देते हैं भगवान की, भोग लगा कर खाओगे धनी बनोगे, घर में माल भी आएगा, पैसा भी आएगा घर में, हैं? अगर गरीब बनना चाहा तो गर्भ बिना दिए खाओ, इसलिए। लेकिन यहाँ पर एक समस्या, अगर प्याज लहसुन डालोगे तो फिर भगवान की भोग नहीं लगा सकते, इसलिए प्याज लहसुन हमें त्याग देनी चाहिए। जैसे नवरात्रि आती है ना, 9 दिन तक नवरात्रि रखते कि नहीं आप लोग, रखते हो ना, 9 दिन तक प्याज लहसुन क्या खाते हो, खाते हो नहीं खाते हो, क्यों, कारण है क्या, बोले कारण है पुराने कथा है ये कि जो प्याज है गो मांस से प्याज बना। भागवत में आते हैं भगवान जब सुदर्शन चक्र से उन्होंने राक्षसों को गला काट दिया, जहां पर मांस गिर पड़ा वहीं पर प्याज की पौधा हुई, इसलिए आप देखना जैसे मांस लाल लाल रंग के प्याज भी लाल लाल रंग के, इसलिए 9 दिन तक इस चीज को कोई ग्रहण नहीं करते, ठाकुर का सेवा भी नहीं लगता, इसलिए कोशिश करना जैसे प्याज लहसुन हमारी छूट जाए, हैं, छूट जाए और शुद्ध रूप में ठाकुर जी के लिए रसोई बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ, कितना जैसे खाओगे वरना वैसे बनने का मन। अब स्वयं देख लेना अपना घर में, जैसे मन में शांति नहीं, घर में अशांति है, अब स्वयं देख लेना ठाकुर जी को भोग लगा कर खाओ, घर में अपने आप शांति सुख छा जाएगी अपने आप, हैं, क्योंकि ठाकुर जी का प्रसाद पा रहे हो, प्रसाद मतलब होता है भगवान की आशीर्वाद, ठीक है ना। इसलिए जैसे गोपियां हर काम करती थी, जैसे बच्चे को थपथप लगा कर सुलाती थी, लेकिन मुंह में क्या बोलती थी, बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 हाथों में काम करो और मुंह में ठाकुर जी की जोर से बोलो, सही बोल रहे कि नहीं, यहाँ से जाकर भूल जाओगे, हाँ, इतनी इतनी सी चीज है ना, गांठ बांध करके, इतनी सी चीज गांठ बांध कर ले जाओ, जो कुछ करे ठाकुर को सेवा मान कर करे और ठाकुर जी का नाम जरूर, ठाकुर जी की नाम को जप कर, ठीक है ना। इसलिए कहते चार गंदी चीज को छोड़ दो, चार गंदी चीज क्या, बोले दुतम, दुतम मतलब होता है जुआ मत खेला करो और बच्चों को भी पति को भी जुआ खेलने के लिए मत दिया करो। इसलिए स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर ने सिखा दिया, देखो मैं धर्मराज हूँ लेकिन ये जुआ खेल कर मेरे कितने सत्यानाश हो गया, राज्य गया, भाइयों को खोया, पत्नी को भी वही स्वभाव में उनको भी जुआ में लगा दिया, पत्नी की विवस्त्र दिखाना पड़ा, फिर क्या हुआ 12 साल के लिए जंगल में भटका और 1 साल के लिए अज्ञातवास में विराट राज्य में रहना पड़ा, कहाँ धर्मराज युधिष्ठिर उनका तंग का काम करना पड़ा, उनकी नौकरी करना पड़ा। इसलिए कहते हैं भैया कभी भी ये जुआ कभी भी अपना पतियों को बच्चों को कभी भी जुआ खेल में प्रोत्साहित मत किया करो, जुआ में इतने नीचे तक आप जुआ खेला में इतने नीचे तक आप गिर सकते हो। इसलिए धर्म का पहला चरण होता है सत्य है, इसलिए जो व्यक्ति जुआ खेलेगा ना, बाबा इधर से उनको इधर से दे आओ हरे कृष्णा, अरे उनको इधर से दे आओगे ना, इसलिए धर्म का जो पहला चरण क्या है, बोले सत्य है। अगर कोई जुआ खेलेगा तो कभी ये सच नहीं बोल सकता है, इसलिए धर्म का पहला चरण यहाँ खत्म हो जाएगा। प्रभु जी बोलो बात मत करो, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, इसलिए ये धर्म का पहला चरण खत्म हो गया। दूसरा चरण है पानम, पानम मतलब होता है किसी तरह का कोई नशीली वस्तु नहीं लेनी चाहिए, नशा तो एक ही नशा हो, प्रभु की प्रेम की नशा हो, प्रभु की भक्ति की ही एक नशा हो और कोई नशा हमारी नहीं रहनी चाहिए, जैसे पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा भांग
शराब गुटका ये सब चीज हमें नहीं लेनी चाहिए, ठीक है ना। ये सब चीज हमें अपना घर में जो पति होंगे हैं, जो बच्चे होंगे, खबरदार ये सब चीज से पतियों को दूर करना। कुछ मेरे पास में कुछ माताएं, हरे कृष्ण बात मत करो, इसलिए कुछ माताएं मेरे पास में आई थी, बोले प्रभु जी हमारे पति पिता हैं, हमारे पति पिता है घर में आकर लड़ाई झगड़ा करता है, मारपीट करता है घर में, घर में अशांति दुख कष्ट है, इसलिए भैया शराब से बच्चों को दूर रखवा करो, घर में पतियों को भी शराब से दूर रखवाया करो। मैं सारा दुनिया में मैं जाता हूँ, अगर जिसके घर में बेटा नहीं तो पति शराब पीना शुरू कर दिया ना, बस सत्यानाश, घर की पूरा सत्यानाश हो जाती है, घर की हैं सब घर बिखर जाता है पूरा के घर। इसलिए मैंने पहले बताया ना, एक माता जी मेरे पास में आई माला लेने के लिए, छोटे छोटे दो बच्चे, मैंने कहा इसका पिताजी कौन, बोले मर गए, बोले कैसे, बोले पिता था, बोले पिता था मर गए कैसे, बोले जो पकड़ा गया था लिवर ही खत्म है, दोनों लिवर ही खराब। इसलिए आप लोग भी अपना बच्चों को अपना पतियों को ये सब चीज से दूर रखना, ठीक है ना, इनसे दूर रखना। और एक चीज समझो, सब माताएं, लेकिन आप बोलोगे पति पिता रहता है छोड़ता है, हम क्या करें। देखो एक उपाय ही उनको भगवान की प्रसाद बना करके, देखो माताओं को हाथ में रोसे आपका हाथ में, बगैर प्याज लहसुन के खाना बनाओ, बना करके ठाकुर जी को तुलसी पत्ता से भोग लगाओ हैं, और उनको प्रसाद खिला करो, देख लेना ये पेट में जब जाए ना वो अंदर से जैसे मेडिसिन काम करता है, जब धीरे धीरे प्रसाद बनाना शुरू करेंगे अपनी आप एक दिन शराब अपने आप छूट जाएगा। क्यों, वो अंदर से ही रिएक्शन करता है, जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। तुम ये काम कर सकते हो, बहुत सारी माताएं मेरे पास में आती, यहाँ भी आई थी, अभी क्या करें, घर में बड़े लड़ाई झगड़ा अशांति है, ये पी करके आते हैं, बच्चे भी देख देख कर अभी बिगड़ रहे हैं धीरे धीरे, अभी हम क्या करें, ठीक है ना। इसलिए नस्ली चीज को त्याग देनी चाहिए, इसको लेने से क्या होता है, कहते तपस्या तुम्हारी नष्ट हो जाती। तीसरी जो चीज है जीव हिंसा, जीव हिंसा में मांस मछली अंडा प्याज लहसुन ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए। कहते ये जो चीज मांस मछली अंडा ये चार तरह का पापों में इसको सबसे बड़ा पाप बताया गया, ये जो तीनों जो पाप है ये सबके सब जीव हिंसा में रहते हैं। देखो हम जीवन में सुख ही चाहते हैं, बता दुख कौन चाहता है जीवन में, कोई दुख चाहते हो, क्या चाहते हो जीवन में, सुख, हम कहते हैं ना सुख पाना तो दूसरों को सुख भी दो तब तो सुख मिलेगा ना, आनंद दोगे तभी तो आनंद मिलेगा, अगर दूसरों को अगर दुख दोगे तो जीवन में क्या मिलेगा, दुख मिलेगा ना। इसलिए मांस मछली खाने से वो जो मांस जो हा भरता है वो हा किसको लेना पड़ेगा, जो खाएगा उसको ही लेना पड़ेगा। इसलिए इसको कहते मीट, मीट मतलब क्या, मी ईट, ईट मी, अभी जिसको तुम खा रहे हो बाद में तेरे को जो खाएगा, मांस, मां मतलब मुझको, सह मतलब वह, जिसको तुम खा रहे हो बाद में फिर तुमको दोबारा वही खाएगा। इसलिए कोशिश करना ये सब चीज को दूर रख करके, और स्त्रियों मतलब होता है अवैध रूप में पुरुष स्त्री और स्त्री पुरुष से नहीं मिलनी चाहिए। कहते ये चार पाप है इसको छोड़ो, कहते चार पुण्य है, चार अच्छी चीज है, बोले चार चीज को ग्रहण करो, बोले क्या क्या ग्रहण करे, बोले पहला नंबर है एकादशी जरूर रखा करो। ये भागवत में कोई व्रत का नाम नहीं आता है, कोई सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पति कोई व्रत का नाम भागवत में नहीं है, भागवत में केवल एक ही व्रत का नाम है, एकादशी के व्रत नाम आता है, क्योंकि व्यास देव ने सारे ग्रंथों को लिखे, और जो भागवत ग्रंथ है ये अंतिम कृत है, अंतिम ग्रंथ है, इसलिए जिसमें अम्बरीश महाराज करते थे जो व्रत को, जिसको मैया जसोदा करती थी, और जो सबसे जो बड़ी एकादशी पांडव निर्जला, जिसको पांडव लोग अपना द्रौपदी को साथ में करते थे, रुक्मिणी सत्यभामा करती थी, लेकिन कुछ कुछ लोग कहते हैं नहीं एकादशी तो सधवा को नहीं करनी चाहिए, एकादशी विधवा को करनी चाहिए, नहीं ये बात कहीं भी नहीं। भागवत पढ़ करके देखो, अम्बरीश महाराज का पत्नी की विधवा थी कि मैया यशोदा विधवा थी, ना द्रौपदी विधवा थी, बताओ कौन सा विधवा थी। कोई कोई फिर कहते हैं एकादशी करने पर फिर उद्यापन करना पड़ता, हमारे शास्त्र में कहीं उद्यापन का बात है ही नहीं, हमारे वैष्णव जगत में कोई उद्यापन का बात नहीं है, जब तक समर्थ तब तक एकादशी व्रत को रखो। नियम है 8 साल से लेकर के 80 साल तक ये एकादशी व्रत को रखनी चाहिए,
उसको पहले नहीं करो, बाद में मत करो, कोई पाप नहीं लगेगा। इसलिए एकादशी का दिन अर्न में गो हत्या, नर हत्या, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, ये जितने सारे पाप एकादशी का दिन अर्न में रहते हैं। इसलिए एकादशी जो व्रत है, ये व्रत को बताया कल्प तरु व्रत। कौन सा व्रत है? कल्प तरु मतलब क्या? बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधारमण हरि गोविंद जय जय बोले